इसलिए तुम हमारे साथ कुंभन गाँव जाती चेन्नई एक्सप्रेस ले। तो काट डालूंगा। ए मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी। हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के बारे में, जो कि 9 अगस्त 2013 में रिलीज हुई थी। इसके यह फिल्म कॉमेडी में शाहरुख खान की कोशिश ठोस से जटिल हो जा रही है, लेकिन अधिकांश भाग में वो अपनी चमक से स्क्रीन को रोशन कर देते हैं। दोस्तों, इसके कलाकार हैं रोहित शेट्टी, निर्देशक हैं और अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सत्यराज अभिनेता हैं। चेन्नई एक्सप्रेस की मूवी समीक्षा के बारे में, टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में, आलोचक की रेटिंग है 3.5/4। कहानी एक 40 वर्षीय पंजाबी व्यक्ति अपने दादा की अस्थियों की उदक्षिणी में विसर्जित करने के मिशन पर है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक युवा तमिलियन लड़की से होती है जो भाग गई है। उनका जीवन आपस में जुड़ जाता है और उसका यात्रा बिल्कुल अलग रास्ता अपना लेती है। समीक्षा अपने स्वयं की सिनेमा के लिए एक कविता में गोलमाल श्रृंखला बोल बच्चन रोहित शेट्टी की शैली में निर्देशक, जिसने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में कमाई की है, अपने इर्द गिर्द की पेशकश को पैमाने को बढ़ाया है। चेन्नई एक्सप्रेस श्री एक शानदार फिल्म है। कहानी विभाग में कभी भी मजबूत नहीं होने के कारण श्री के पास भी एक भरोसेमंद कथनाक है। राहुल शाहरुख खान को उसकी दादी कामिनी कौशल ने अपनी दादी की अस्थियों को भारत के सबसे दक्षिणी छोर रामेश्वर में छोड़ने के लिए कहा है। वह दादी को धोखा देने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ता है, लेकिन उसे गुप्त रूप से अपने पुरुष मित्रों के साथ गोवा जाने की योजना बनाई है। अफसोस, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फैशन में संकट में फंसी एक लड़की मीना दीपिका पादुकोण फुटपाथ पर खड़े होकर उससे अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहती है और उसका सामना करते हुए उसकी किस्मत बदल लेता है। उसे पता चलता है कि वह दक्षिणी की ओर से गांव के एक डॉन की बेटी है और उसके साथ रहने वाली चचेरे भाई मॉन्ट्रियल में हल चाहते हैं कि वह घर लौटाए। सब उसके पिता चाहते हैं कि मीना पास के गाँव में एक अन्य हल्क निकेतन धीर से शादी कर ले ताकि वह दो गांवों पर शासन कर सके। मीना विरोध करती है और अपने पिता सत्यराज से आग्रह करती है कि वह राहुल ही है जो उसे पसंद करता है। पिता नरम पड़ जाता है, लेकिन बाकी लोग विरोध करते हैं। यहां से राहुल लगातार दक्षिण भारतीय भीड़ को मात देने की कोशिश करते हैं और जैसे कि भारतीय मुख्यधारा सिनेमा में अपेक्षा की जाती है, वह दर्शकों को हंसाने के लिए गाना बजाना शुरू कर देता है, नशे में धुत हो जाता है, जीपी उड़ा देता है और जिम कैश जैसा उत्साही अभिनय करते हैं, जो मुख्य रूप से एक हिंदी फिल्म है। इसमें तमिल भाषा बहुत अधिक कम बोली जाती है। बड़ी चतुराई से लिखी गई पंक्तियाँ हैं जो आपसे दक्षिण को कम न आंकने के लिए कहती है, क्योंकि यह गठबंधन सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन शेष भारत के लिए बहुत सारी बातचीत अनुवाद में खो जाती है। उप शीर्षक कम में होंगे काकटेल और यजमानी है दीवानी के बाद दीपिका एक बार फिर शानदार फॉर्म में है। कॉमेडी में शाहरुख खान की कोशिश ठोस से जटिल होती है यार, लेकिन अधिकांश भाग में वो अपनी चमक से स्क्रीन की रोशनी कर देते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए यह समीक्षा न्यू मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के लिए है। यह शाहरुख खान की उत्कृष्ट कृति और दीपिका पादुकोण की यह बहुत ही फिल्म पसंद आई। अद्भुत कहानी पटकथा पंच हासी कॉमेडी के साथ उत्कृष्ट फिल्म, मुझे बहुत पसंद आई। मेरे लिए सदाबहार है फिल्म यह।
तो दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस की बात करते हैं। तो चेन्नई एक्सप्रेस 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और ईटीवी मोशन पिक्चर्स और रेड चीज इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। इसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के साथ नितिन धीर, सत्यराज कामिनी कौशल और लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। और यह फिल्म एक अमीर आदमी राहुल मिठाई वाला के ईद गिर्द घूमती है जो गलती से उसी नाम की ट्रेन में चढ़ जाता है और एक प्रभावशाली डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेश्वर तक की यात्रा कराता है। चेन्नई एक्सप्रेस के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इमिश साजवाल, फरहाद साजु संवाद द्वारा लिखित है यह मूवी। और इस चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की कहानी के हैं सुभाष के सुभाष और यह द्वारा उत्पादित है रोहिण शुक्रवार, सिद्धार्थ राय कपूर, गौरी खान, किरण मुरानी। अभिनय किए हैं इस मूवी में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान। छायाकार हैं ढूंढुले द्वारा संपादित है स्टीवन एच पनाडे। संगीत दिया है मूल साउंडट्रैक विशाल शेखर, बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले, अतिथि संगीतकार योयो हनी सिंह। उत्पादक कंपनियां ईटीवी मोशन पिक्चर्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है ईटीवी मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तिथि है 8 अगस्त 2013 विदेशी बाजार और 9 अगस्त 2013 भारत। कार्यकारी का समय 141 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी, बजट 70 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे है 423 करोड़। खान और शेट्टी के बीच पाला नियोजित संयुक्त अंगूर 1982 की रीमेक थी। इसके बजाय चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट को चुना गया जो शुरू में खान के लिए एक बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखी गई थी। एक व्यावसायिक रोमांस के रूप में कल्पना की गई। इस फिल्म का मूल नाम रेड्डी स्टेडी पो था। फिल्मांकन अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और मई 2013 तक पूरा हो गया। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट का निर्माण किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई आर रामजो फिल्म सिटी में भी सेट का निर्माण किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा तैयार किया गया था। स्वदेश 2000 के बाद खान के साथ अपना पहला स्क्रीन प्रोजेक्ट बनाते हुए ईटीवी मोशन पिक्चर्स निर्माता और वितरक के रूप में बोर्ड पर आया। चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को विदेश बाजारों में और एक दिन बाद भारत में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और घरेलू स्तर पर 1 बिलियन की कमाई करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई। यह फिल्म 3 इडियट्स 2009 के पीछे छोड़ते हुए उस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। 19वें फिल्म फेयर पुरस्कार में चेन्नई एक्सप्रेस को 7 नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अमिताभ खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण शामिल हैं। राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 वर्षीय आमिर कुमारी हैं जिनके पिता और माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद 8 वर्ष की आयु से उनका पालन पोषण उनके नाना नानी ने किया। राहुल के दादा वाई मिठाई वाला एक व्यवसायी जो कन्फेक्शनरी दुकानों की एक श्रृंखला के मालिक वाई के 100वें जन्मदिन के जश्न से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और मामा ने उसे गोवा में छोटे के लिए आमंत्रित किया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इस बीच जश्न के पूर्व संध्या वाई की मृत्यु हो जाती है जब वह टीवी पर क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर को 99 रन पर आउट होते देखता है। वाई के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि वाई चाहता था कि उसकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग को गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरे भाग को रामेश्वर में विसर्जित किया जाए। वह राहुल से अस्थियों को रामेश्वर में ले जाकर बिखेरने के लिए कहती है। अनिच्छा से वह उनके अनुरोध का स्वीकार करता है लेकिन वो गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बॉबी और अम्बामन ने राख को गोवा में फेंकने की योजना बनाई लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और बॉमन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस में एक टिकट बुक करता है। हालांकि राहुल उतरते समय राख लेना भूल जाता है और जब वह राख लेने के लिए वापस आता है तो उसकी ट्रेन लगभग छूट जाती है। जैसे ही राहुल ट्रेन छोड़ने की कोशिश करता है वह देखता है कि एक नीतू उसमें चढ़ने के लिए दौड़ रही है। वह उसे और 4 लोगों के चलते ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है लेकिन उसके उतरने से पहले ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्म के गानों की पैरोडी गाकर बातचीत शुरू करती है और बताती है कि 4 लोग उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने
उसे अपना मोबाइल फोन उधार दिया ताकि वो अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे छीन लिया और ट्रेन से फेंक दिया। राहुल नाराज है लेकिन कुछ नहीं क्यों कहते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास हथियार है। राहुल यात्रा टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वे निरीक्षक को एक पुल के नीचे एक नदी में धक्का देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चला कि चारों आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका नाम मीना लोचनी मिनम्मा अजहगुसुंदरम है। वह तांगावली नाम के डॉन से जबरन शादी करने के बाद भाग रही है। मिनम्मा के पिता दुगेश्वर दुर्गेश अजहगुसुंदरम तमिलनाडु में एक शक्तिशाली माफिया सरगना और जमींदार है। मिनम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। तंगावली ने राहुल को दंडयुद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे तमिल में ज्ञान की कमी के कारण राहुल अनजाने में स्वीकार कर लेता है। दंड की रात राहुल एक स्थानीय पुलिस कर्मी शनिशेर की मदद से भाग जाता है, लेकिन वह श्रीलंकाई तस्करों के एक साथ निकनाव पर पहुंच जाता है। पुलिस बल और तस्करों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में लेते हैं तो वह अपनी कहानी बताता है और कुंभन में वापस आ जाता है भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के दरांती धारी गुंडों से घिरा हुआ। राहुल मिनम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता और दुर्गेश के आदमियों से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है। जब कार खराब हो जाती है तो राहुल और मिनम्मा झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। राहुल यह नहीं जानता कि किस रास्ते पर जाना है। मिनम्मा के पास लौटता है जो उसे बिदम्बा गांव ले जाती है। मिनम्मा ने ग्रामीणों को बताया कि वह एक विवाहित जोड़े हैं जिसने सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण सहमत है। तब मिनम्मा को एहसास होता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है। जब राहुल चोरी से भागने की योजना बताता है तो वह तर्क देती है क्योंकि वह ग्रामीणों को अविश्वास अर्जित नहीं करना चाहती। जब राहुल भागने की कोशिश करता है तो तंगावली उसे पकड़ लेता है, लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं। मिनम्मा ने राहुल को वाई वाई की राख बिखरने के लिए राजी किया और उसे साथ रामेश्वर की यात्रा की, जहां उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया। वापस लौटते समय राहुल को पता चलता है कि उसे मिनम्मा से प्यार हो गया है और वह उसे नहीं बताता कि वे कहां जा रहे हैं। वह मिनम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और उसे मिनम्मा की इच्छा को समझाने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है। वह मिनम्मा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है। राहुल तंगावली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद हुई लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन विजयी होता है। दुर्गेश और तंगावली ने यह स्वीकार करते हुए सुधार किया कि राहुल जैसे आदमी आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता है और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है। दुर्गेश ने राहुल को मीना से शादी करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद राहुल एक संदेश छोड़ते हैं कि प्यार कोई क्षेत्र या भाषाई बांधन नहीं जानता और मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस फिल्म के मीना लोचनी मिनम्मा अजहगुसुंदरम के रूप में दीपिका पादुकोण, राहुल मिठाई वाला के रूप में शाहरुख खान, राहुल तंगावली के रूप में निकितिन धीर, सत्यराज दुर्गेश्वर दुर्गेश अजहगुसुंदरम के रूप में कामिनी कौशल, नीतू मिठाई वाला के रूप में वाई वाई मिठाई वाला के रूप में लेख टंडन और एक्सपेक्टर शमशेर सिंह के रूप में मुकेश तिवारी, पोविशा मनोहर, राधिका राधा अजहगुसुंदरम मिनम्मा की चचेरी बहन, बाबन राहुल का दोस्त के रूप में मनु मलिक, रागेश कुकरेती बाबी रोल के दोस्त के रूप में मोहन रामन, गांव के पुजारी के रूप में योगी बाबू, श्रीलंकाई तस्कर के रूप में दुर्गेश्वर के गुर्गे के रूप में जयसपाल, दुर्गेश के गुर्गे के रूप में विशेष डर, एक राहगीर के रूप में किंग कांग, जेमी मोशन एक ट्रक ड्राइवर के रूप में, एक ग्रामीण के रूप में दिल्ली गणेश, प्रियामी आइटम नंबर 1 2 3 4 डांस फ्लोर पर। रोहित शेट्टी ने मूल रूप से 1982 की फिल्म अंगूर के रीमेक के लिए शाहरुख खान के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई थी। 2011 के ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद शेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू कर दी, लेकिन इसके आधा अधूरा छोड़ दिया। अभिनेता की नामांकन तारीखें प्राप्त करने की कठिनाई के कारण चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट खान के लिए एक बैकअप के रूप में तैयार थी। स्क्रिप्ट पढ़ने पर खान को यह विचार पसंद आया और वह अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने के लिए असहमत हो गए, जिसके कारण अंगूर का रिमिक्स आस्थगित हो गया। सेट्ठी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक एंगल वाले एक हार्डकोर व्यावसायिक फिल्म है। कहानी इस आदमी को मुंबई से रामेश्वर तक की यात्रा और यात्रा के दौरान क्या होता है के बारे में है। लगभग 68 मिनट की फुटेज को रियल मीडिया वर्क्स द्वारा CGI के साथ बढ़ाया गया था। खान स्पिट के साथ संपर्क करने वाले पहले अभिनेता थे और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। मुख्य नायिका के कास्टिंग बहुत प्रेस
अटकलों के विषय थी। करीना कपूर, असिन और दीपिका पादुकोण के शामिल होने की अफवाह थी। सेट्ठी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा था कि कलाकारों को अप्रैल 2012 में अंतिम रूप दिया जाएगा और वे इस भूमिका के लिए एक स्थापित अभिनेत्री को देने जा रहे थे। अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई कि दीपिका पादुकोण को खान के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका पादुकोण और खान की शूटिंग की तस्वीरें जारी की गई। खान के साथ यह पादुकोण की दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 के ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म की शुरुआत करते हुए जो महिला दिवस पर रिलीज हुई थी, खान चाहते थे कि क्रेडिट में उनकी महिला सह कलाकार का नाम उनके नाम से ऊपर हो। सत्यराज को बॉलीवुड के पर्दापण करते हुए पादुकोण के क्षेत्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री प्रियामणि को जनवरी 2013 में नयनतारा की जगह फिल्म एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था। दो अभिनेत्री अनिता जवान में खान के साथ अभिनय करेंगे। दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिलनाडु सिनेमा की अन्य हस्तियाँ छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती है। शुरुआत में फिल्म का नाम रेडिस्ट एडिट पोरक कहा गया था। हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैंगलाइन के रूप में इस्तेमाल किए गए नियुक्त शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनर्शीर्षक दिया गया था। फिल्मांकन और पोस्ट प्रोडक्शन परियोजना पर फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ। अतिरिक्त फिल्मांकन न्यूनतम दल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में किया गया था। मुख्य अभिनेता की तस्वीरें और अनौपचारिक रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी किए गए। नवंबर 2012 में कलाकार और चालक दल वहाँ से पुरुषों का फिल्मांकन शुरू करने के लिए गोवा गए। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन का उपयोग कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए किया जाता था। दूध सागर जल प्राप्त के बगल से गुजर रही ट्रेन पर एक रोमांटिक सीन भी फिल्माया गया था। दिसंबर 2012 में क्रू कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जकार्ता गया। पंबन ब्रिज जिसे अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडु के मंडपा शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वर से जोड़ता है। तेरा रास्ता छोड़ना गाने का दृश्य था। जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है तो कला निर्देशक नरेंद्र रूहिकार द्वारा वाई में पंचगनी के बाहरी इलाकों में ऊटी के कई स्थानों का पुनर्निर्माण किया गया। आवश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन से अधिक का समय लगा। फिल्मांकन में 5 मार्च 2013 का पूरा महीना लगा। केरल के मुन्नार में 10 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम अप्रैल 2013 के मध्य शुरू हुआ। दृश्य देवीकुलम झील मासियापुलिमा बागर और चिकन्नीमाला में फिल्माए गए। भारी बारिश के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया। मुन्नार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मई 2013 में उत्तरी गोवा में दृश्य फिल्माए गए। पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की। खान अपने शेष दृश्यों के फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी की फिल्म सिटी हैदराबाद गए। फिल्म में कई तमिल संवाद है लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का 2013 के मध्य में शुरू हुआ। दृश्य देवी कुलम झील मेसापुली माला वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए। भारी बारिश का फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मई 2013 में उत्तरी गोवा में के दृश्य फिल्माए गए। पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की। खान अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद गए। फिल्म में कई तमिल संवाद है लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया। चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान, करीम मुरानी, रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ राय कपूर ने रेड चिली एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया था। इसे यूट्यूब मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचा गया था। गाने विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित थे और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो हनी सिंह द्वारा लिखे गए थे। गानों की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई। ट्रैक रेडी पो को संगीत के संगीतकारों द्वारा नवंबर 2012 में रिकॉर्ड किया गया था। कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशक और अभिनेता स्कोर से असंतुष्ट थे। कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों को खंडन किया। अप्रैल 2013 के मध्य में गायक SP बालासुब्रमण्यम ने
फिल्म के लिए शीर्षक ट्रैक रिकॉर्ड किया, जो 15 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद प्लेबैक के लिए बॉलीवुड में उनकी वापसी का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि यह गाना एकजुटता की भावना का जश्न मनाना है। प्रारंभ में बाला सुब्रम आशंकित थे, लेकिन फिल्म की सामग्री और मुख्य भूमिका के कारण उन्होंने गाना चुना। गाना 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रमोशनल सिंगल के रूप में जारी किया गया था। 27 जून 2013 को तेतली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और 11 जुलाई 2013 को कश्मीर मैं तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था। 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गाना अपलोड किया। हनी सिंह ने गाया और फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में गाने का शीर्षक लुंगी डॉल्स द थलाइवर आर ड्यूब्रूट था। 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता मैं छोड़ूंगा गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था। संगीत एल्बम 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। फिल्म का भारत में 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 शो के साथ पूर्वावलोकन किया गया था और चेन्नई एक्सप्रेस से गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया जाना था। पेरू में यह भारत की तरह एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। चेन्नई एक्सप्रेस को मोरक्को, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस की टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों के शो के दौरान सामान्य टैरिफ से 40% और सप्ताह पर 20% तक बढ़ गई थी। हालांकि यह वृद्धि सभी मल्टीप्लेक्सों के समान रूप से लागू नहीं की गई थी। यह फिल्म भारत में 2550 सिनेमाघरों में, 2550 स्क्रीनों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 स्क्रीन में रिलीज हुई, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 196 स्क्रीन, यूनाइटेड किंगडम में 175 स्क्रीन, मध्य पूर्व में 55 और ऑस्ट्रेलिया में 30 स्क्रीन शामिल है। उस समय तक की सबसे व्यापक बॉलीवुड रिलीज थी। चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक 1 जनवरी 2013 को जारी किया गया था। ASP बाला सुब्रम द्वारा गाया गया 31 सेकंड का शीर्षक ट्रैक टीजर 23 मई 2013 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। 13 जून 2013 को मुंबई में लॉन्च के 2 दिन बाद ही इसे यूट्यूब पर 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया। फिल्म में गान खान और पादुकोण द्वारा पहने गए परिधानों के नीलामी की कोई बिक्री प्राप्त आई, एक चैरिटी के दान कर दी गई। नीलामी फिल्म के रिलीज के दिन के आसपास हुई। स्वीडिश गोमिंग स्टूडियो सिंगा बॉक्स द्वारा विकसित एक कराओके ऐप 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और iOS आधार स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था। खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाटक सुजीत कापिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मधुबाला एक इश्क एक जुनून, DIT सुपर मॉम्स, झलक दिखला जा 6 और एडियस और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया। द डिडेस्ट गूगल के साल के अंत में सबसे अधिक बार खोजी जाने वाली कविरी का इस कंगला में चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे ट्रेंडिंग विषय बताया। फिल्म के सैटेलाइट ने टेलीविजन अधिकारी जी नेटवर्क को 480 मिलियन में बेचे गए। यह समझौता फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व में जुड़ा था। भारत सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा यदि चेन्नई एक्सप्रेस ने 1.3 बिलियन से अधिक का शुद्ध संग्रह किया तो उसके बाद अर्जित प्रतीक 100 मिलियन के लिए निर्माताओं को अतिरिक्त 20 मिलियन मिलेंगे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 20 अक्टूबर 2013 को हुआ था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों ने देखा, जो उच्चतम रेटिंग वाले फिक्शन शो से लगभग 2 गुना था। इसके अपने प्रसारक JTV को उस महीने का सम्मान मनोरंजक चैनलों के बीच शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की। कानूनी मुद्दे वन अपॉन ए टाइम ने मुंबई दोबारा के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ दिया गया था, क्योंकि एक ही दिन में 4 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी। रिलीज की तरह 15 और 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिल्मांकन के अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सुखाग्र सतारा जिले में धोम बांध के बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के कारण मुसीबत पड़ गई थी। राज्य को राहत और पुनर्वास मंत्री पंतग्राव कदम ने समस्या का समाधान किया। ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म को पोस्टर और ट्रेलर के तमिल लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि पादुकोण का भारी उच्चारण वाला संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे से मिलता जुलता है। पादुकोण ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृति की नकल नहीं करती है और उनके सहित अधिकांश गुरु दक्षिण भारतीय है। बाद में उन्होंने कहा, हम अपनी संस्कृति का अपमान क्यों करेंगे। 31 जुलाई 2013 को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवीन मारा सेना की फिल्म सखा ने
फिल्म के प्रीमियर को बाहर करने के ढंग के लिए कथित और तौर पर इसने सिनेमाघरों से चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को हटाने का प्रयास किया जो एक समय में केवल एक ही फिल्म दिखती है। पार्टी उन खबरों के नाराज थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों से ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी जहाँ सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 2013 में 19 जुलाई से लोकप्रिय थी। 1 अगस्त 2013 को दोनों फिल्में निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय झारो को राज ठाकरे के समाधान खोजने के लिए बुलाया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी को राज्य भर में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से नहीं हटाया गया तो मन से महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर आपत्ति नहीं करेगी। चेन्नई एक्सप्रेस 10 भाषाओं में रिलीज हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। बॉलीवुड हंगामा के तहत अजय ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस पर हर जगह ट्रेडमार्क रोहित शेट्टी की छाप है। आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म मनोरंजक मनोरंजन और मनोरंजन की तलाश करते और फिल्म अपने आसपास के प्रचार और हंगामे पर खरी उतरी है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म में से 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा फिल्म हास्य शेट्टी के टुकड़ों और रंगीन स्थान और गानों से भरपूर शेट्टी चेट्टीनाड शैली की मसाला फिल्म बनाती और यह इस फिल्म का सही वर्णन है। यदि आप नाटकीय तत्वों और कथा की बहुपक्ष आलोचना में शामिल होने की योजनाएं न बनाएं तो यह फिल्म मजेदार हो सकती है। DNA की सरिता तवर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा कि यह सभी हिंदी फिल्म प्रेमियों के लिए एक सौगात है। इसमें वे सभी सामग्री है जिनकी आप एक बड़ी व्यावसायिक मसाला फिल्म से अपेक्षा करते हैं। बड़ी स्टार कास्ट ड्रामा एक्शन कॉमेडी गाने काल का पीछा करना और अंतःशरी शेट्टी की अप्रिय शैली में पेशकश किए गए कुल मिलाकर यह एक बबल गम ब्लॉकबस्टर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना आयन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा चेन्नई एक्सप्रेस एक शानदार फिल्म है। अपनी स्वयं के सिनेमा के लिए एक कविता में गोलमाल श्रृंखला या बोल बच्चन पढ़े। निर्देशक रोहित शेट्टी जो उन्होंने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में सबसे ज्यादा कमाई की है उनकी ईद गिर्द पेशकश के पैमाने को बढ़ाता है। NNTV के सैबल चैटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दी और कहा कि SR के दीपिका का पूरे दिल से उत्साह और मजेदार वन और लाइन्स का निरंतर प्रवास सिटी के उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करता है जिससे चेन्नई एक्सप्रेस बन जाती है एक पूर्व मसाला फिल्म जो अपनी रानी के बारे में पूरी तरह से समाज पार्थिव अपने इरादों के बारे में पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी नहीं है और यह इसकी USP यूनिट सेलिंग पॉइंट जी न्यूज के फिल्म के 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी जिसमें कहा गया कि यदि कोई साधारण बात हो स्क्रिप्ट में के पंच की कमी और पूर्वा नियोक्ता को नजरअंदाज करता है वह अपनी व्यक्ति चेन्नई एक्सप्रेस के साथ मजेदार यात्रा के लिए तैयार है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 3 स्टार दिए। सबसे पहले अच्छी खबर, चेन्नई एक्सप्रेस कुछ हिस्सों में एक सुखद और पसंद करने योग्य फिल्म है। बुरी खबर यह है कि यह शाहरुख खान के अदम्य स्टार पावर के लिए हमें बताने के अलावा कुछ नहीं करती। 40 वर्ष से राहुल अब भी बिना लड़खड़ाए खेल सकते हैं। INDIA TV के अभिषेक गुप्ता इसे 2.5 स्टार दिया और लिखा आज के सिनेमा में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी को शायद ही कभी सलमान रणने के साथ परोसा जाता है। हम रोहित शेट्टी को उनके सामूहिक अवकाश के लिए देखते हैं जिसमें अज्ञात कोनों से फराटा भारतीय कार्य और कॉमेडी शामिल है जो थप्पड़ नहीं बल्कि काम करते हैं। आलोचक भरद्वाज रंगन ने लिखा फिर भी सामग्री को देखते हुए शेट्टी क्लास से ज़्यादा सही करते हैं। शेट्टी ने शाहरुख खान की एक सोरील बनाई है, उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म के कुछ अंश उधार लिए हैं और हमें स्टार का एक अनमुक्त अवतार दिया है जो एक ही हाल में स्टार खुद को गले लगाने में कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिया और लिखा कि फिल्म वास्तव में कुछ मजेदार छोर के साथ आती है। उन्होंने पादुकोण को लुक की सराहना की, हालांकि उन्होंने उनके स्टेज क्राफ्ट कौशल में पहलुओं की आलोचना की। Rediffy.com की सुकन्या और माने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहा चेन्नई एक्सप्रेस कुछ हद तक हंसाती है लेकिन अन्यथा एक्सट्रा को मनोरंजन कॉमेडी से भयानक ड्रामा में बदलने का फैसला करती। डेक्कन कार्निल के खालिद मोहम्मद ने फिल्म को 2.5 स्टार दिया और लिखा अपने जोखिम पर चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़े। CNN IVN के राजेश मसंद ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि फिल्म बड़ी मोटी थी। उन्होंने टिप्पणी की चेन्नई एक्सप्रेस को एक फूला हुआ वैनिटी प्रोजेक्ट कहा और उन्हें लगा कि मुख्य अभिनेता बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और कहा चेन्नई एक्सप्रेस न तो रोहित की खूबियों से मिल खाती है और न ही शाहरुख खान की। यह घटिया हास्य, आधे अधूरे रोमांस, आधे अधूरे जज्बात और दिमागीपन का एक अजीब
का पूर्ण मिश्रण है। धमाकेदार स्टंटियम के विशाल काय पुरुषों से भरी है जिनका आकार पंच नायक की तरह काम करता है। दैनिक भास्कर के मयंक शेखर ने इसे 5 में से 1 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, आपने टिकट के लिए भुगतान कर दिया है, हाँ अब बस आराम से बैठे और कष्ट सहें। रेडिट के राजा सीन ने फिल्म में 5 में से 1 स्टार दिया और कहा, शाहरुख खान चिल्लाते हैं, चिखते हैं, चिल्लाते हैं और नुकीले दांत दिखाते हैं और मुंह फुलाते हैं और खैर हर कदम पर जोर से ज़्यादा मुँह आवाजा देकर खुद को थका देते हैं। बावजूद इसके फिल्म में कोई भी उनका अनुसरण नहीं कर रहा है। टेम्पलेट न्यू यॉर्क टाइम्स के राचेल शार्टन ने लिखा है, चेन्नई एक्सप्रेस सावधानी से चुनी गई वाइन और स्वादिष्ट एपोटाइजर के साथ एक शानदार भोजन जैसा लगता है, लेकिन एक खराब मुख्य कोर्स है। इस बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी रोमांस और चमकदार सितारों पर पैसा और दृश्य देखभाल बहुत अधिक की गई है। सगाई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, लेकिन फिल्म अपने 2 घंटे और 20 मिनट से अधिकांश समय में कॉमेडी और किरदारों को एक अत्यधिक अंतरंजित कहानी में खोजती रहती है। एमिरेट्स 24/7 की स्नेहा के फ्रांस ने लिखा, रोहित शेट्टी की इस रोमांस की शैली काफ़ी हद तक मजाक पर निर्भर करती है और मुख्य रूप से शाहरुख खान के वफादारों द्वारा इसकी सराहना की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, रोहित की कार्निवल जैसी कॉमेडी कुछ लोगों को हंसाती है लेकिन आपको थका सकती है। सिनेहा ने कहा कि पादुकोण का प्रदर्शन खान से फीका है। वैरायटी की रोनी स्किम ने लिखा, इस अत्यधिक काम वाली कॉमेडी रोमांस एक्शन फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की तुलना नहीं की जा सकती। अपने किरदारों की रोमांटिक रीता के बनाए रखने की शेट्टी की जरूरत लगातार उनके हास्य पथ चित्रण के खिलाफ है। सोशल ब्रांडकास्टिंग सर्विस के साइमन फोस्टर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिया और इसे रोहित शेट्टी से बहुत व्यापक निर्देशक ब्रश एक जोरदार कमजोर दिमाग वाले रोमांटिक कॉमेडी के रूप में वर्णित किया। एसआर के अति प्रचारित वाहन को देखते हैं करश्माई, लेकिन उम्र दराज अभिनेता बुरी तरह से गलत समझ गए और आसानी से उनकी नायिका दीपिका पादुकोण से प्रभावित हो गए। उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। जब इसने 396 करोड़ का कलेक्शन किया और वर्तमान में दुनिया भर में 18वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म की कमाई ने 3 डेज द्वारा निर्धारित 392 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई 423 करोड़ थी। भारत बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रीव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी संस्करण ने 67.5 मिलियन का कलेक्शन किया था। 3 इडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 292.5 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 264.3 मिलियन और 292.1 मिलियन का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया और 870.8 मिलियन भुगतान पूर्वालोकन सहित 938.3 मिलियन एकत्र किया। जवानी है दीवानी द्वारा निर्धारित पिछले सप्ताह रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चेन्नई एक्सप्रेस ने 3 दिवसीय सप्ताह में 1.59 बिलियन की कमाई करके दुनिया भर में शुरुआती कमाई की एक रिकॉर्ड बनाई। फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और 120 मिलियन और यूएस के $2.5 मिलियन से अधिक का कलेक्शन किया। इसने अपने पहले मंगलवार को 115 मिलियन की कमाई की, जो भारत में शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने बुधवार को 125.60 मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया कि फिल्म ने गुरुवार को 190 मिलियन की शुद्ध कमाई की, जिसमें पहले सप्ताह में कुल कमाई भुगतान प्रॉलिंग सहित 1.461 बिलियन हो गई, जिसे एक था टाइगर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहले 7 दिनों में इसकी व्यावसायिक कमाई 2.5 बिलियन थी। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह में 237.50 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे कुल घरेलू कमाई 1.8 बिलियन हो गई और 10 दिनों में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई। दुनिया भर में कुल कमाई 3.14 बिलियन हो गई। फिल्म ने 2 सप्ताह में 1.85 बिलियन की कमाई की और घरेलू बाजार में अपने तीसरे सप्ताह के बाद 1.94 बिलियन की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह में इसने 160 मिलियन की कमाई की, जिससे उसकी कुल कमाई 275 बिलियन हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस ने अपने चौथे सप्ताह में 3
थ्री इडियट्स द्वारा बनाए गए घरेलू नेट रिकॉर्ड तोड़ दिया और चौथे सप्ताह में लगभग 57.40 मिलियन जोड़े, जिसमें कुल कमाई 2.6 बिलियन हो गए। फिल्म ने अपने छठे सप्ताह में 3.5 मिलियन को कलेक्शन किया, जो कुल मिलाकर 2.825 बिलियन था। फिल्म की आजीवन घरेलू वितरित हिस्सेदारी 1.15 बिलियन है, जिसने एक था टाइगर के 1.7 बिलियन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशी रिकॉर्ड भी तोड़े। यूके के पेड प्रीव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन से अधिक कमाई की। फिल्म ने विदेशी क्षेत्र में शुरुआती सप्ताह के रिकॉर्ड तोड़ दिए, 504.70 मिलियन की कमाई की, जिसमें यूएस के 2.22 मिलियन डॉलर, यूएस के एडी 7.73 मिलियन और यूके के प्रमुख बाजारों से रिकॉर्ड संग्रह शामिल था। 934 से 118 चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में शुरुआती सप्ताह में 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करके एक रिकॉर्ड बनाया। यह पाकिस्तान में भी सफल रही, जहां इसने मुद्रा एकत्र की। अपने शुरुआती सप्ताह में 18.4 मिलियन, 2021 में 94 मिलियन रुपए या यूएस में 320,000 डॉलर के बराबर। 18 अगस्त तक फिल्म ने करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने की कराची में बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, 40 मिलियन और यूएस के 140,000 डॉलर। फिल्म में विदेशी बाजारों में केवल 9 दिनों में 720 मिलियन यानी कि 12.29 मिलियन डॉलर की कमाई की। दूसरे सप्ताह तक इसे लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेश में अपने तीसरे सप्ताह तक लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथे सप्ताह तक 16.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। पांचवें सप्ताह तक फिल्म ने विदेशों में लगभग 17.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। अपने छठे सप्ताह में भी इसकी कमाई जारी रही, जिससे इसकी कुल कमाई 17.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस एक से परफॉर्म रामेश्वर नामक एक प्लेटफॉर्म रनिंग गेम, जो फिल्म पर आधारित है और इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल है, को इंडिया गेम्स डिज्नी यूटीबी की डिजिटल विंग द्वारा विकसित किया गया था और 24 जुलाई 2013 को एंड्रॉइड सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया। गेम में खिलाड़ी एक आभासी रोलर कोस्टर की सवारी करते गुंडों से लड़ते हैं और बाधाओं से बचते हैं, जबकि वे पादुकोण के गेम अवतार को अनलॉक करने के लिए 10,000 से अधिक सिक्के इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के बारे में, जो कि 9 अगस्त 2013 में रिलीज हुई थी। इसके यह फिल्म कॉमेडी में शाहरुख खान की कोशिश ठोस से जटिल हो जा रही है, लेकिन अधिकांश भाग में वो अपनी चमक से स्क्रीन को रोशन कर देते हैं। दोस्तों, इसके कलाकार हैं रोहित शेट्टी, निर्देशक हैं और अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सत्यराज अभिनेता हैं। चेन्नई एक्सप्रेस की मूवी समीक्षा के बारे में, टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में, आलोचक की रेटिंग है 3.5/4। कहानी एक 40 वर्षीय पंजाबी व्यक्ति अपने दादा की अस्थियों की दक्षिणी में विसर्जित करने के मिशन पर है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक युवा तमिलियन लड़की से होती है, जो भाग गई है। उनका जीवन आपस में जुड़ जाता है और उसका यात्रा बिल्कुल अलग रास्ता अपना लेती है। समीक्षा अपने स्वयं की सिनेमा के लिए एक कविता में गोलमाल श्रृंखला बोल बच्चन रोहित शेट्टी की शैली में निर्देशक, जिसने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में कमाई की है, ने अपने इर्द गिर्द की पेशकश को पैमाने को बढ़ाया है। चेन्नई एक्सप्रेस सी एक शानदार फिल्म है। कहानी विभाग में कभी भी मजबूत नहीं होने के कारण सी के पास भी एक भरोसेमंद कथनांक है। राहुल शाहरुख खान को उसकी दादी कामिनी कौशल ने अपनी दादी की अस्थियों को भारत के सबसे दक्षिणी छोर रामेश्वर में छोड़ने के लिए कहा है। वह दादी को धोखा देने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ता है, लेकिन उसे गुप्त रूप से अपने पुरुष मित्रों के साथ गोवा जाने की योजना बनाई है। अफसोस, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फैशन में संकट में फंसी एक लड़की मीना दीपिका पादुकोण फुटपाथ पर खड़े होकर उससे अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहती है और उसका सामना करते हुए उसकी किस्मत बदल लेता है। उसे पता चलता है कि वह दक्षिण की ओर से गांव के एक डॉन की बेटी है और उसके साथ रहने वाली चचेरे भाई मॉन्ट्रियल में हल्क चाहते हैं कि वह घर लौटाए। सब उसके पिता चाहते हैं कि मीना पास के गाँव में एक अन्य हल्क निकेतन धीर
से शादी कर ले ताकि वह दो गांवों पर शासन कर सके। मीना विरोध करती है और अपने पिता सत्यराज से आग्रह करती है कि वह राहुल ही है जो उसे पसंद करता है। पिता नरम पड़ जाता है लेकिन बाकी लोग विरोध करते हैं। यहाँ से राहुल लगातार दक्षिण भारतीय भीड़ को मात देने की कोशिश करते हैं और जैसे कि भारतीय मुख्य धारा सिनेमा में अपेक्षा की जाती है वह दर्शकों को हंसाने के लिए गाना बजाना शुरू कर देता है, नशे में धुत हो जाता है, जीपी उड़ा देता है और जिम कैश जैसा उत्साही अभिनय करते हैं जो मुख्य रूप से एक हिंदी फिल्म है। इसमें तमिल भाषा बहुत अधिक कम बोली जाती है। बड़ी चतुराई से लिखी गई पंक्तियाँ हैं जो आपने आपसे दक्षिण कम न आंकने के लिए कहती है क्योंकि यह गठबंधन सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन शेष भारत के लिए बहुत सारी बातचीत अनुवाद में खो जाती है। उप शीर्षक कम में होंगे काम काकटेल और यजमानी है दीवानी के बाद दीपिका एक बार फिर शानदार फॉर्म में है। कॉमेडी में शाहरुख खान की कोशिश ठोस से जटिल होती है जटिल लेकिन अधिकांश भाग में वो अपनी चमक से स्क्रीन की रोशनी कर देते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए यह समीक्षा न्यू मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के लिए यह शाहरुख खान की उत्कृष्ट कृति और दीपिका पादुकोण की यह बहुत ही फिल्म पसंद आई। अद्भुत कहानी पटकथा पंच हासी कॉमेडी के साथ उत्कृष्ट फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, मेरे लिए सदाबहार है फिल्म यह। तो दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस की बात करते हैं तो चेन्नई एक्सप्रेस 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और ईटीवी मोशन पिक्चर्स और रेड चीज इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। इसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के साथ निकी तीन धीर सत्यराज कामिनी कौशल और लेफ टंडन सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म एक अमीर आदमी राहुल मिठाई वाला के ईद गिर्द घूमती है जो गलती से उसी नाम की ट्रेन में चढ़ जाता है और एक प्रभावशाली डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेश्वर तक की यात्रा कराता है। चेन्नई एक्सप्रेस के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इमिश साजवाल फरहाद साजी संवाद द्वारा लिखित है यह मूवी और इस चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की कहानी के हैं सुभाष के सुभाष और यह द्वारा उत्पादित है रोहिन शुक्रवार सिद्धार्थ राय कपूर गौरी खान किरण मुरानी अभिनय किए हैं इस मूवी में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान। छायाकार हैं ढूंढुले द्वारा संपादित है शीटीवन एच पनाडे। संगीत दिया है मूल साउंडट्रैक विशाल शेखर बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले अतिथि संगीतकार यो हनी सिंह। उत्पादक कंपनियां यू टीवी मोशन पिक्चर्स रेड चीज इंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है यू टीवी मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तिथि है 8 अगस्त 2013 विदेशी बाजार और 9 अगस्त 2013 भारत। कार्यकारी का समय है 141 मिनट। देश है भारत, भाषा हिंदी, बजट 70 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे है 423 करोड़। खान और शेट्टी के बीच पहला नियोजित संयोग अंगूर 1982 की रीमेक थी। इसके बजाय चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट को चुना गया जो शुरू में खान के लिए एक बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखी गई थी। एक व्यावसायिक रोमांस के रूप में कल्पना की गई। इस फिल्म का मूल नाम रेड्डी स्टेडी पो था। फिल्मांकन अक्टूबर 2012 में हेबोव स्टूडियो में शुरू हुआ और मई 2013 तक पूरा हो गया। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट का निर्माण किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई आर रामजो फिल्म सिटी में भी सेट का निर्माण किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा तैयार किया गया था। स्वदेश 2000 के बाद खान के साथ अपना पहला स्क्रीय प्रोजेक्ट बनाते हुए ईटीवी मोशन पिक्चर्स निर्माता और वितरक के रूप में बोर्ड पर आया। चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को विदेश बाजारों में और एक दिन बाद भारत में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और घरेलू स्तर पर 1 बिलियन की कमाई करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई। यह फिल्म 3 इडियट्स 2009 के पीछे छोड़ते हुए उस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। 19वें फिल्म फेयर पुरस्कार में चेन्नई एक्सप्रेस को 7 नामांकन प्राप्त हुए जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ अमिताभ खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पादुकोण शामिल हैं। राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 वर्षीय आमिर कुमारी हैं जिनके पिता और माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद 8 वर्ष की आयु से उनका पालन पोषण उनके नाना नानी ने किया। राहुल के दादा वाई वाई मिठाई वाला एक व्यवसायी जो
कंफेक्शनरी दुकानों की एक श्रृंखला के मालिक वाई वाई के 100वें जन्मदिन के जश्न से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और मामा ने उसे गोवा में छुट्टियों के लिए आमंत्रित किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इस बीच जश्न के पूर्व संध्या वाई वाई की मृत्यु हो जाती है, जब वह टीवी पर क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर को 99 रन पर आउट होते देखता है। वाई वाई के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि वाई वाई चाहता था कि उसकी राख को दो भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग को गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरे भाग को रामेश्वर में विसर्जित किया जाए। वह राहुल से अस्थियों को रामेश्वर में ले जाकर बिखेरने के लिए कहती है। अनिच्छा से वह उनके अनुरोध का स्वीकार करता है, लेकिन वो गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बॉबी और अम्बामन ने राख को गोवा में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है, जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और बॉमन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस में एक टिकट बुक करता है। हालांकि राहुल उतरते समय राख लेना भूल जाता है और जब वह राख लेने के लिए वापस आता है तो उसकी ट्रेन लगभग छूट जाती है। जैसे ही राहुल ट्रेन छोड़ने की कोशिश करता है, वह देखता है कि एक नीतू उसमें चढ़ने के लिए दौड़ रही है। वह उसे और चार लोगों के चलते ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, लेकिन उसके उतरने से पहले ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्म के गानों की पैरोडी गाकर बातचीत शुरू करती है और बताती है कि चार लोग उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन उधार दिया ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे छीन लिया और ट्रेन से फेंक दिया। राहुल नाराज है लेकिन कुछ नहीं क्यों कहते, क्योंकि उन लोगों के पास हथियार है। राहुल यात्रा टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वे निरीक्षक को एक पुल के नीचे एक नदी में धक्का देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चला कि चारों आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका नाम मीना लोचनी मिनम्मा अजहगुसुंदरम है। वह तांगावली नाम के डॉन से जबरन शादी करने के बाद भाग रही है। मिनम्मा के पिता दुगेश अजहगुसुंदरम तमिलनाडु में एक शक्तिशाली माफिया सरगना और जमींदार है। मिनम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। तंगावली ने राहुल को दंडयुद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे तमिल में ज्ञान की कमी के कारण राहुल अनजाने में शिकार कर लेता है। दंड की रात राहुल एक स्थानीय पुलिस कर्मी समस्या की मदद से भाग जाता है, लेकिन वह श्रीलंकाई तस्करों के एक साथ निकनाव पर पहुंच जाता है। पुलिस बल और तस्करों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में लेते हैं तो वह अपनी कहानी बताता है और कुंभन में वापस आ जाता है भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के दरांती धारी गुंडों से घिरा हुआ। राहुल मिनम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है। जब कार खराब हो जाती है तो राहुल और मिनम्मा झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। राहुल यह नहीं जानता कि किस रास्ते पर जाना है। मिनम्मा के पास लौटता है जो उसे बिदम्बा गांव ले जाती है। मिनम्मा ने ग्रामीणों को बताया कि वह एक विवाहित जोड़े हैं जिसमें सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण सहमत है। तब मिनम्मा को एहसास होता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है। जब राहुल चोरी से भागने की योजना बताता है तो वह तर्क देती है, क्योंकि वह ग्रामीणों को अविश्वास अर्जित नहीं करना चाहती। जब राहुल भागने की कोशिश करता है तो तंगावली उसे पकड़ लेता है, लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं। मिनम्मा ने राहुल को वाई वाई की राख बिखरने के लिए राजी किया और उसे साथ रामेश्वर की यात्रा की, जहां उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया। वापस लौटते समय राहुल को पता चलता है कि उसे मिनम्मा से प्यार हो गया है और वह उसे नहीं बताता कि वे कहां जा रहे हैं। वह मिनम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और उसे मिनम्मा की इच्छा को समझाने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है। वह मिनम्मा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है। राहुल तंगावली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद हुई लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन विजयी होता है। दुर्गेश और तंगावली ने यह स्वीकार करते हुए सुधार किया कि राहुल जैसे आदमी आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता है और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है। दुर्गेश ने राहुल को मीना से शादी करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद राहुल एक संदेश छोड़ते हैं कि प्यार कोई क्षेत्र या भाषाई बांधन नहीं जानता और मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस फिल्म के मीना लोचनी मिनम्मा अजहगुसुंदरम के रूप में दीपिका पादुकोण, राहुल मिठाई वाला के रूप में शाहरुख खान, राहुल तंगावली के रूप में निकितिन धीर, सत्यराज दुर्गेश अजहगुसुंदरम के रूप में
कामनी कौशल नीतू मिठाई वाला के रूप में, वाई वाई मिठाई वाला के रूप में लेख टंडन, और एक्सेप्टर शमशेर सिंह के रूप में मुकेश तिवारी, पोविसा मनोहर, राधिका राधा, अजह सुंदरम मिनिम्मा की चचेरी बहन, बाबन राहुल का दोस्त के रूप में मनु मलिक, रागेश कुकरेती बाबी रोल के दोस्त के रूप में मोहन रामन, गांव के पुजारी के रूप में योगी बाबू, श्री लंकाई लंकाई तस्कर के रूप में दुर्गेश्वर के गुर्गे के रूप में जयसपाल, दुर्गेश के गुर्गे के रूप में विशेष रवि, एक राहगीर के रूप में किंग कांग, जेमी मोशन एक ट्रक ड्राइवर के रूप में, एक ग्रामीण के रूप में दिल्ली गणेश, प्रियामी आइटम नंबर 1 2 3 4 डांस फ्लोर पर। रोहित शेट्टी ने मूल रूप से 1982 की फिल्म अंगूर के रीमेक के लिए शाहरुख खान के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई थी। 2011 के ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद शेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू कर दी, लेकिन इसके आधा अधूरा छोड़ दिया। अभिनेता की फिल्मांकन तारीखें प्राप्त करने की कठिनाई के कारण चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट खान के लिए एक बैकअप के रूप में तैयार थी। स्क्रिप्ट पढ़ने पर खान को यह विचार पसंद आया और वह अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने के लिए असमर्थ हो गए, जिसके कारण अंगूर का रिमिक्स अस्थगित हो गया। सेट्ठी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक एंगल वाले एक हार्डकोर व्यावसायिक फिल्म है। कहानी इस आदमी को मुंबई से रामेश्वर तक की यात्रा और यात्रा के दौरान क्या होता है के बारे में है। लगभग 68 मिनट की फुटेज को रियाज मीडिया वर्क्स द्वारा CGI के साथ बढ़ाया गया था। खान स्पिट के साथ संपर्क करने वाले पहले अभिनेता थे और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। मुख्य नायिका के कास्टिंग बहुत प्रेस अटकलों के विषय थी। करीना कपूर, अश्विन और दीपिका पादुकोण के शामिल होने की अफवाह थी। शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा था कि कलाकारों को अप्रैल 2012 में अंतिम रूप दिया जाएगा और इस भूमिका के लिए एक अस्थापित अभिनेत्री को देने जा रहे थे। अक्टूबर 2012 में यह पुष्टि की गई कि दीपिका पादुकोण को खान के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका पादुकोण और खान की शूटिंग की तस्वीरें जारी की गई। खान के साथ यह पादुकोण की दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 के ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म की शुरुआत करते हुए जो महिला दिवस पर रिलीज हुई थी, खान चाहते थे कि क्रेडिट में उनकी महिला सह कलाकार का नाम उनके नाम से ऊपर हो। सत्यराज को बॉलीवुड के पर्दापण करते हुए पादुकोण के क्षेत्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री प्रियामणि को जनवरी 2013 में नयनतारा की जगह फिल्म एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था। दो अभिनेत्री अनिता जवान में खान के साथ अभिनय करेंगे। दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिल सिनेमा के अन्य हस्तियाँ छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती। शुरुआत में फिल्म का नाम रेडिस्ट एडिट पोरक कहा गया था। हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैंकलाइन के रूप में इस्तेमाल किए गए नियुक्त शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः शीर्षक दिया गया था। फिल्मांकन और पोस्ट प्रोडक्शन परियोजना पर फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ। अतिरिक्त फिल्मांकन न्यूनतम दल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में किया गया था। मुख्य अभिनेता की तस्वीरें और अनौपचारिक रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी किए गए। नवंबर 2012 में कलाकार और चालक दल वहाँ शेष पुरुषों का फिल्मांकन शुरू करने के लिए गोवा गए। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन का उपयोग कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए किया जाता था। दूध सागर जल प्राप्त के बगल से गुजर रही ट्रेन पर एक रोमांटिक सीन भी फिल्माया गया था। दिसंबर 2012 में क्रू कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जकार्ता गया। पंबन ब्रिज जिसे अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के मंडपा शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वर से जोड़ता है। तेरा रास्ता छोड़ना गाने का दृश्य था। जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी, लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है तो कला निर्देशक नरेंद्र रोहिकर द्वारा वाई में पंचगनी के बाहरी इलाकों में ऊटी के कई स्थानों का पुनर्निर्माण किया गया। आवश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन से अधिक का समय लगा। फिल्मांकन में 5 मार्च 2013 का पूरा महीना लगा। केरल के मुन्नार में 10 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुआ। दृश्य देवीकुलम, छिल, मासिया, पुलिमा, बागरा और चिकन्नीमाला में फिल्माए गए। भारी बारिश के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मई 2013 में उत्तरी गोवा में दृश्य फिल्माए गए। पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की। खान अपने शेष दृश्यों के फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी की फिल्म सिटी हैदराबाद गए। फिल्म में कई तमिल संवाद है, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का
2013 के मध्य में शुरू हुआ दृश्य देवी कुलम झील मेसापुली माला वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए। भारी बारिश काल फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मई 2013 में उत्तरी गोवा में के दृश्य फिल्माए गए। पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की। खान अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद गए। फिल्म में कई तमिल संवाद है, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया। चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान, करीम मुरानी, रोनी इश्करूवाला और सिद्धार्थ राय कपूर ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया था। इसे यूट्यूब मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचा गया था। गाने विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित थे और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो हनी सिंह द्वारा लिखे गए थे। गानों की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई। ट्रैक रेडी टेडी पो को संगीत के संगीतकारों द्वारा नवंबर 2012 में रिकॉर्ड किया गया था। कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशक और अभिनेता स्कोर से असंतुष्ट थे। कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों को खंडन किया। अप्रैल 2017 के मध्य में गायक एसपी बालासुब्रमण्यम ने फिल्म के लिए शीर्षक ट्रैक रिकॉर्ड किया, जो 15 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद प्लेबैक के लिए बॉलीवुड में उनकी वापसी का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि यह गाना एकजुटता की भावना का जश्न मनाना है। प्रारंभ में बालासुब्रमण्यम आशंकित थे, लेकिन फिल्म की सामग्री और मुख्य भूमिका के कारण उन्होंने गाना चुना। गाना 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रमोशनल सिंगल के रूप में जारी किया गया था। 27 जून 2013 को तेतली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और 11 जुलाई 2013 को कश्मीर मैं तू कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था। 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गाना अपलोड किया। हनी सिंह ने गाया और फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में गाने का शीर्षक लुंगी डॉल्स द थलाइवर आर ड्यूब्रूट था। 25 जुलाई 2013 को 13 रास्ता मैच छोड़ूना गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था। संगीत एल्बम 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। फिल्म का भारत में 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 शो के साथ पूर्वावलोकन किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस से गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया जाना था। पेरू में यह भारत की तरह एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। चेन्नई एक्सप्रेस को मोरक्को, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस की टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों के शो के दौरान सामान्य टैरिफ से 40% और सप्ताह पर 20% तक बढ़ गई थी। हालांकि यह वृद्धि सभी मल्टीप्लेक्सों के समान रूप से लागू नहीं की गई थी। यह फिल्म भारत में 2550 सिनेमाघरों में, 2550 स्क्रीनों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 स्क्रीन में रिलीज हुई, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 196 स्क्रीन, यूनाइटेड किंगडम में 175 स्क्रीन, मध्य पूर्व में 55 और ऑस्ट्रेलिया में 30 स्क्रीन शामिल है। उस समय तक की सबसे व्यापक बॉलीवुड रिलीज थी। चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक 1 जनवरी 2013 को जारी किया गया था। एएसपी बालासुब्रमण्यम द्वारा गाया 31 सेकंड का शीर्षक ट्रैक टीजर 23 मई 2013 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था। 13 जून 2013 को मुंबई में लॉन्च के 2 दिन बाद ही इसे यूट्यूब पर 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया। फिल्म में गान खान और पादुकोण द्वारा पहने गए परिधानों की नीलामी की कोई बिक्री प्राप्त आई एक चैरिटी के दान कर दी गई। नीलामी फिल्म के रिलीज के दिन के आसपास हुई। स्वीडिश गोमिंग स्टूडियो सिंगा बॉक्स द्वारा विकसित एक कराओके ऐप 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और iOS आधार स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था। खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाटक संगीत कपिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, डीआईटी सुपर मॉम्स, झलक दिखला जा, 6 और 11 और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया। द डिडेस्ट गूगल के साल के अंत में सबसे अधिक बार खोजी जाने वाली कविता का इस कंगला में चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे ट्रेंडिंग विषय बताया। फिल्म के सैटेलाइट ने टेलीविजन अधिकारी जी नेटवर्क को 480 मिलियन में बेचे गए। यह समझौता फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व में जुड़ा था। भारत सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा यदि चेन्नई एक्सप्रेस ने 1.3 बिलियन से अधिक का शुद्ध संग्रह किया तो उसके बाद अर्जित प्रतीक 100 मिलियन के लिए निर्माताओं को अतिरिक्त 20 मिलियन मिलेंगे।
फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 20 अक्टूबर 2013 को हुआ था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों ने देखा, जो उच्चतम रेटिंग वाले फिक्शन शो से लगभग दो गुना था। इसके अपने प्रसारक जी टीवी को उस महीने का सम्मान मनोरंजक चैनलों के बीच शीर्ष स्थान पर पहुँचने में मदद की। कानूनी मुद्दे और अपॉन ए टाइम्स ने मुंबई दोबारा के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ दिया गया था, क्योंकि एक ही दिन में चार पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी। रिलीज की तारीख क्रमशः 15 और 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिल्मांकन के अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सुखाग्र सतारा जिले में धोम बांध के बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के कारण मुसीबत पड़ गई थी। राज्य को राहत और पुनर्वास मंत्री पंतग्राव कदम ने समस्या का समाधान किया। ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म को पोस्टर और ट्रेलर के तमिल लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि पादुकोण का भारी उच्चारण वाला संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे से मिलता जुलता है। पादुकोण ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृति की नकल नहीं करती है और उनके सहित अधिकांश गुरु दक्षिण भारतीय है। बाद में उन्होंने कहा, हम अपनी संस्कृति का अपमान क्यों करेंगे। 31 जुलाई 2013 को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवीन मारुति सेना की फिल्म सखा ने फिल्म के प्रीमियर को बाहर करने की धमकी दी। कथित और तौर पर इसने सिनेमाघरों से चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को हटाने का प्रयास किया, जो एक समय में केवल एक ही फिल्म दिखती है। पार्टी उन खबरों के नाराज थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों से ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी, जहाँ सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 2013 में 19 जुलाई से लोकप्रिय थी। 1 अगस्त 2013 को दोनों फिल्में निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय झा को राज ठाकरे के समाधान खोजने के लिए बुलाया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी को राज्य भर में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से नहीं हटाया गया तो मन से महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर आपत्ति नहीं करेगी। चेन्नई एक्सप्रेस 10 भाषाओं में रिलीज हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। बॉलीवुड हंगामा के तहत आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस पर हर जगह ट्रेडमार्क रोहित शेट्टी की छाप है। आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म मनोरंजक मनोरंजन और मनोरंजन की तलाश करते और फिल्म अपने आसपास के प्रचार और हंगामे पर खरी उतरी है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म में से 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, फिल्म हास्य शेट्टी के टुकड़ों और रंगीन स्थान और गानों से भरपूर है। शेट्टी चेट्टीनाड शैली की मसाला फिल्म बनाती और यह इस फिल्म का सही वर्णन है। यदि आप नाटकीय तत्वों और कथा की बहुपक्षीय आलोचनाओं में शामिल होने की योजनाएं न बनाएं तो यह फिल्म मजेदार हो सकती है। डीएनए की सरिता तवर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा कि यह सभी हिंदी फिल्में प्रेमियों के लिए एक सौगात है। इसमें वे सभी सामग्री है जिनकी आप एक बड़ी व्यवसायिक मसाला फिल्म से अपेक्षा करते हैं। बड़ी स्टार कास्ट, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, गाने का पीछा करना और अंतः सभी शेट्टी के अप्रिय शैली में पेशकश किए गए। कुल मिलाकर यह एक बबल गम ब्लॉकबस्टर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना आयन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा, चेन्नई एक्सप्रेस एक शानदार फिल्म है। अपनी स्वयं के सिनेमा के लिए एक कविता में गोलमाल श्रृंखला या बोल बच्चन पढ़े। निर्देशक रोहित शेट्टी, जो उन्होंने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में सबसे ज्यादा कमाई की है, उनकी ईद गिर्द पेशकश के पैमाने को बढ़ाता है। NNTV के सैबल चैटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि SR के दीपिका का पूरे दिल से उत्साह और मजेदार वन और लाइन्स का निरंतर प्रवाह सिटी के उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करता है, जिससे चेन्नई एक्सप्रेस बन जाती है एक पूर्व मसाला फिल्म जो अपनी रानी के बारे में पूरी तरह से समाज पार्थिव अपने इरादों के बारे में पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी नहीं है और यह इसकी USP यूनिट सेलिंग पॉइंट। जी न्यूज के फिल्म के 5 में से 3 स्टार रेटिंग थी, जिसमें कहा गया कि यदि कोई साधारण बात हो स्क्रिप्ट में के पंच की कमी और पूर्वा नियोक्ता को नजरअंदाज करता है, वह अपनी व्यक्ति चेन्नई एक्सप्रेस के साथ मजेदार यात्रा के लिए तैयार है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 3 स्टार दिए। सबसे पहले अच्छी खबर, चेन्नई एक्सप्रेस कुछ हिस्सों में एक सुखद और पसंद करने योग्य फिल्म है। बुरी खबर यह है कि यह शाहरुख खान की अदम्य स्टार पावर के लिए हमें बताने के अलावा कुछ नहीं करती। 40 वर्ष से राहुल अब भी बिना लड़खड़ाए खेल सकते हैं। इंडिया टीवी के अभिषेक गुप्ता इसे 2.5 स्टार दिया और लिखा, आज के सिनेमा में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी को शायद ही कभी सम्मान रणनीति के साथ परोसा जाता है। हम रोहित शेट्टी को उनके सामूहिक अवकाश के लिए देखते हैं, जिसमें अज्ञात कोनों से फराटा फैटी कार्य और कॉमेडी शामिल है, जो थप्पड़ नहीं बल्कि काम करती है। आलोचक भरद्वाज रंगन ने लिखा, फिर भी सामग्री
सामग्री को देखते हुए सेट्टी कला से ज़्यादा सही करते हैं। सेट्टी ने शाहरुख खान की एक सोरील बनाई है, उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म के कुछ अंश उधार लिए हैं और हमें स्टार का एक अनमुक्त अवतार दिए है जो एक ही हाल में स्टार खुद को गले लगाने में कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म वास्तव में कुछ मजेदार छोर के साथ आती है। उन्होंने पादुकोण को लुक की सराहना की, हालांकि उन्होंने उनके स्टेज क्राफ्ट कौशल में पहलुओं की आलोचना की। Rediffy.com की सुकन्या और माने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहा, चेन्नई एक्सप्रेस कुछ हद तक हंसाती है लेकिन अन्यथा एस्ट्रा को मनोरंजन कॉमेडी से भयानक ड्रामा में बदलने का फैसला करती। डेक्कन कार्निल के खालिद मोहम्मद ने फिल्म को 2.5 स्टार दिए और लिखा, अपने जोखिम पर चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़े। CNN IVN के राजेश मसंद ने फिल्म को 5 में से 2 ही रेटिंग दी और कहा कि फिल्म बड़ी मोटी थी। उन्होंने टिप्पणी की, चेन्नई एक्सप्रेस को एक फूला हुआ वैनिटी प्रोजेक्ट कहा और उन्हें लगा कि मुख्य अभिनेता बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, चेन्नई एक्सप्रेस न तो रोहित की खूबियों से मिल खाती है और न ही शाहरुख खान की। यह घटिया हास्य, आधे अधूरे रोमांस, आधे अधूरी जज्बात और दिमागीपन का एक अजीब पूर्ण मिश्रण है। धमाकेदार एक्शन फिल्म के विशालकाय पुरुषों से भरी है जिनका आकार पंच नायक की तरह काम करता है। दैनिक भास्कर के मयंक शेखर ने इसे 5 में से 1 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, आपने टिकट के लिए भुगतान कर दिया है, हाँ अब बस आराम से बैठे और कष्ट सहें। रेडिट के राजा सीन ने फिल्म में 5 में से 1 स्टार दिया और कहा, शाहरुख खान चिल्लाते हैं, चिखते हैं, चिल्लाते हैं और नुकीले दांत दिखाते हैं और मुंह फुलाते हैं और खैर हर कदम पर जोर से ज़्यादा मुंह आवाज़ देकर खुद को थका देते हैं। बावजूद इसके फिल्म में कोई भी उनका अनुसरण नहीं कर रहा है। टेम्पलेट द न्यू यॉर्क टाइम्स के राचेल शार्टन ने लिखा, चेन्नई एक्सप्रेस सावधानी से चुनी गई वाइन और स्वादिष्ट एपोटाइजर के साथ एक शानदार भोजन जैसा लगता है लेकिन एक खराब मुख्य कोर्स है। इस बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी रोमांस और चमकदार सितारों पर पैसा और दृश्य देखभाल बहुत अधिक की गई है। सगाई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, लेकिन फिल्म अपने 2 घंटे और 20 मिनट से अधिकांश समय में कॉमेडी और किरदारों को एक अत्यधिक अंतरंजित कहानी में खोजती रहती है। एमिरेट्स 24/7 की स्नेहा के फ्रांस ने लिखा, रोहित शेट्टी की इस रोमांस की शैली काफ़ी हद तक मजाक पर निर्भर करती है और मुख्य रूप से शाहरुख खान के वफादारों द्वारा इसकी सराहना की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, रोहित की कार्निवल जैसी कॉमेडी कुछ लोगों को हंसाती लेकिन आपको थका सकती है। सिन्हा ने कहा कि पादुकोण का प्रदर्शन खान से फीका है। वैरायटी की रोनी स्किम लिखा, इस अत्यधिक काम वाली कॉमेडी रोमांस एक्शन फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की तुलना नहीं की जा सकती। अपने किरदारों की रोमांटिक रीता के बनाए रखने की शेट्टी की जरूरत लगातार उनके हास्यपद चित्रण के खिलाफ है। सोशल ब्रांडकास्टिंग सर्विस के साइमन फोस्टर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिया और इसे रोहित शेट्टी से बहुत व्यापक निर्देशक ब्रश एक जोरदार कमजोर दिमाग वाले रोमांटिक कॉमेडी के रूप में वर्णित किया। एसआर के अति प्रचारित वाहन को देखते हैं करश्माई, लेकिन उम्र दराज अभिनेता बुरी तरह से क्लच समझ गए और आसानी से उनकी नायिका दीपिका पादुकोण से प्रभावित हो गए। उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। जब इसने 396 करोड़ का कलेक्शन किया और वर्तमान में दुनिया भर में 18वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म की कमाई ने 3 डेज द्वारा निर्धारित 392 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई 423 करोड़ थी। भारत बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रीव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी संस्करण ने 67.5 मिलियन का कलेक्शन किया था। 3 इडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 292.5 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 264.3 मिलियन और 292.1 मिलियन का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया और 870.8 मिलियन भुगतान पूर्वालोकन सहित 938.3 मिलियन एकत्र किया। जवानी है दीवानी द्वारा निर्धारित पिछले सप्ताह रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चेन्नई एक्सप्रेस ने 3 दिवसीय सप्ताह में 1.59 बिलियन की कमाई करके दुनिया भर में शुरुआती कमाई की एक रिकॉर्ड बनाई। फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और 120 मिलियन
और यूएस के 2.5 मिलियन डॉलर से अधिक का कलेक्शन किया। इसने अपने पहले मंगलवार को 115 मिलियन की कमाई की, जो भारत में शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने बुधवार को 125.60 मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया कि फिल्म ने गुरुवार को 190 मिलियन की शुद्ध कमाई की, जिसमें पहले सप्ताह में कुल कमाई भुगतान प्रॉब्लम सहित 1.461 बिलियन हो गई, जिसे एक टाइगर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहले 7 दिनों में इसकी व्यावसायिक कमाई 2.5 बिलियन थी। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह में 237.50 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे कुल घरेलू कमाई 1.8 बिलियन हो गई और 10 दिनों में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई। दुनिया भर में कुल कमाई 3.14 बिलियन हो गई। फिल्म ने 2 सप्ताह में 1.85 बिलियन की कमाई की और घरेलू बाजार में अपने तीसरे सप्ताह के बाद 1.94 बिलियन की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह में इसने 160 मिलियन की कमाई की, जिससे उसकी कुल कमाई 275 बिलियन हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस ने अपने 4वें सप्ताह में 3 इडियट्स द्वारा बनाए गए घरेलू नेट रिकॉर्ड तोड़ दिया और 4वें सप्ताह में लगभग 57.40 मिलियन जोड़े, जिसमें कुल कमाई 2.6 बिलियन हो गई। फिल्म ने अपने 6वें सप्ताह में 3.5 मिलियन को कलेक्शन किया, जो कुल मिलाकर 2.25 बिलियन था। फिल्म की आजीवन घरेलू वितरित हिस्सेदारी 1.15 बिलियन है, जिसने एक था टाइगर के 1.7 बिलियन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशी रिकॉर्ड भी तोड़े। यूके के पेड प्रीव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन से अधिक कमाई की। फिल्म ने विदेशी क्षेत्र में शुरुआती सप्ताह के रिकॉर्ड तोड़ दिए, 504.70 मिलियन की कमाई की, जिसमें यूएस के 2.22 मिलियन डॉलर, यूएस के एडी 7.73 मिलियन और यूके के प्रमुख बाजारों से रिकॉर्ड संग्रह शामिल था। 934 से 118 चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में शुरुआती सप्ताह में 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करके एक रिकॉर्ड बनाया। यह पाकिस्तान में भी सफल रही, जहां इसने मुद्रा एकत्र की। अपने शुरुआती सप्ताह में 18.4 मिलियन, 2021 में 94 मिलियन रुपए या यूएस में 320,000 के डॉलर के बराबर। 18 अगस्त तक फिल्म ने करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने की कराची में बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, 40 मिलियन और यूएस के 140,000 डॉलर। फिल्म में विदेशी बाजारों में केवल 9 दिनों में 420 मिलियन यानी कि 12.29 मिलियन डॉलर की कमाई की। दूसरे सप्ताह तक इसे लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर रही थी। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेश में अपने तीसरे सप्ताह तक लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 4वें सप्ताह तक 16.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। 5वें सप्ताह तक फिल्म ने विदेशों में लगभग 17.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। अपने 6वें सप्ताह में भी इसकी कमाई जारी रही, जिससे इसकी कुल कमाई 17.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस एक से परफॉर्म रामेश्वर नामक एक प्लेटफार्म रनिंग गेम, जो फिल्म पर आधारित है और इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल है, को इंडिया गेम्स डिज्नी यूटीबी की डिजिटल विंग द्वारा विकसित किया गया था और 24 जुलाई 2013 को एंड्रॉइड सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया। गेम में खिलाड़ी एक आभासी रोलर कोस्टर की सवारी करते गुंडों से लड़ते हैं और बाधाओं से बचते हैं, जबकि वे पादुकोण के गेम अवतार को अनलॉक करने के लिए 10,000 से अधिक सिक्के इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के बारे में, जो कि 9 अगस्त 2013 में रिलीज हुई थी। इसके यह फिल्म कॉमेडी में शाहरुख खान की कोशिश ठोस से जटिल हो जा रही है, लेकिन अधिकांश भाग में वो अपनी चमक से स्क्रीन को रोशन कर देते हैं। दोस्तों, इसके कलाकार हैं रोहित शेट्टी, निर्देशक हैं और अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सत्यराज अभिनेता हैं। चेन्नई एक्सप्रेस की मूवी समीक्षा के बारे में, टाइप्स ऑफ इंडिया के बारे में, तो आलोचक की रेटिंग है 3.5/4। कहानी एक 40 वर्षीय पंजाबी व्यक्ति अपनी दादा की अस्थियों की दक्षिणी में विसर्जित करने के मिशन पर है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक युवा तमिलियन लड़की से होती है, जो भाग गई है। उनका जीवन आपस में जुड़ जाता है और उसका यात्रा बिल्कुल अलग रास्ता अपना लेती है। समीक्षा अपने स्वयं के सिनेमा के लिए एक कविता में गोलमाल श्रृंखला बोल बच्चन रोहित शेट्टी की शैली में निर्देशक, जिसने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में कमाई की है, अपने इर्द गिर्द की पेशकश को पैमाने को बढ़ाया है।
चेन्नई एक्सप्रेस से श्री एक शानदार फिल्म है। कहानी विभाग में कभी भी मजबूत नहीं होने के कारण श्री के पास भी एक भरोसेमंद कथानक है। राहुल शाहरुख खान को उसकी दादी कामिनी कौशल ने अपनी दादी की हस्तियों को भारत के सबसे दक्षिणी छोर रामेश्वर में छोड़ने के लिए कहा है। वह दादी को धोखा देने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ता है, लेकिन उसे गुप्त रूप से अपने पुरुष मित्रों के साथ गोवा जाने की योजना बनाई है। अफसोस, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फैशन में संकट में फंसी एक लड़की मीना दीपिका पादुकोण फुटपाथ पर खड़े होकर उससे अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहती है और उसका सामना करते हुए उसकी किस्मत बदल लेता है। उसे पता चलता है कि वह दक्षिण की ओर से गांव के एक डॉन की बेटी है और उसके साथ रहने वाली चचेरे भाई मॉन्ट्रियल में हल चाहते हैं कि वह घर लौटाए। सब उसके पिता चाहते हैं कि मीना पास के गाँव में एक अन्य हल्क निकेतन धीर से शादी कर ले ताकि वह दो गांवों पर शासन कर सके। मीना विरोध करती है और अपने पिता सत्यराज से आग्रह करती है कि वह राहुल ही है जो उसे पसंद करता है। पिता नरम पड़ जाता है, लेकिन बाकी लोग विरोध करते हैं। यहां से राहुल लगातार दक्षिण भारतीय भीड़ को मात देने की कोशिश करते हैं और जैसे कि भारतीय मुख्यधारा सिनेमा में अपेक्षा की जाती है, वह दर्शकों को हंसाने के लिए गाना बजाना शुरू कर देता है, नशे में धुत हो जाता है, जीपी उड़ा देता है और जिम कैश जैसा उत्साही अभिनय करते हैं, जो मुख्य रूप से एक हिंदी फिल्म है। इसमें तमिल भाषा बहुत अधिक कम बोली जाती है। बड़ी चतुराई से लिखी गई पंक्तियाँ हैं जो आपने आपसे दक्षिण को कम न आंकने के लिए कहती है, क्योंकि यह गठबंधन सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन शेष भारत के लिए बहुत सारी बातचीत अनुवाद में खो जाती है। उप शीर्षक कम में होंगे काकटेल और यजमानी है दीवानी के बाद दीपिका एक बार फिर शानदार फॉर्म में है। कॉमेडी में शाहरुख खान की कोशिश ठोस से जटिल होती है जाती, लेकिन अधिकांश भाग में वो अपनी चमक से स्क्रीन की रोशनी कर देते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए यह समीक्षा न्यू मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के लिए है। यह शाहरुख खान की उत्कर्ष कीर्ति और दीपिका पादुकोण की यह बहुत ही फिल्म पसंद आई। अद्भुत कहानी पटकथा पंच हासी कॉमेडी के साथ उत्कट फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। मेरे लिए सदाबहार है फिल्म यह। तो दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस की बात करते हैं। तो चेन्नई एक्सप्रेस 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और ईटीवी मोशन पिक्चर्स और रेड चीज इंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। इसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के साथ निकी तीन धीर सत्यराज कामिनी कौशल और लेव टंडन सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म एक अमीर आदमी राहुल मिठाई वाला के ईद गिर्द घूमती है जो गलती से उसी नाम के ट्रेन में चढ़ जाता है और एक प्रभावशाली डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेश्वर तक की यात्रा कराता है। चेन्नई एक्सप्रेस के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इनिश साजवाल फरहाद साजी संवाद द्वारा लिखित है यह मूवी। और इस चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की कहानी के हैं सुभाष के सुभाष और यह द्वारा उत्पादित है रोहिण शुक्रवार सिद्धार्थ राय कपूर गौरी खान किरण मुरानी अभिनय किए हैं इस मूवी में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान। छायाकार हैं ढूंढुले द्वारा संपादित है स्टीवन एच पनाडे। संगीत दिया है मूल साउंडट्रैक विशाल शेखर बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले अतिथि संगीतकार यो हनी सिंह। उत्पादक कंपनियां यू टीवी मोशन पिक्चर्स रेड चिलीज इंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है यू टीवी मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तिथि है 8 अगस्त 2013 विदेशी बाजार और 9 अगस्त 2013 भारत। कार्यकारी का समय है 141 मिनट। देश है भारत। भाषा हिंदी। बजट 70 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे है 423 करोड़। खान और शेट्टी के बीच पाला नियोजित संयोग अंगूर 1982 की रीमेक थी। इसके बजाय चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट को चुना गया जो शुरू में खान के लिए एक बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखी गई थी। एक व्यावसायिक रोमांस के रूप में कल्पना की गई। इस फिल्म का मूल नाम रेड्डी स्टेडी पो था। फिल्मांकन अक्टूबर 2012 में महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ और मई 2013 तक पूरा हो गया। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट का निर्माण किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था जिसके लिए वाई आर रामजो फिल्म सिटी में भी सेट का निर्माण किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा तैयार किया गया था। स्वदेश 2004 के बाद खान के साथ अपना पहला स्क्रीन प्रोजेक्ट बनाते हुए ई टू वी मोशन पिक्चर्स निर्माता और वितरक के रूप में बोर्ड पर आया।
चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को विदेश बाजारों में और एक दिन बाद भारत में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और घरेलू स्तर पर 1 बिलियन की कमाई करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई। यह फिल्म 3 इडियट्स 2009 के पीछे छोड़ते हुए उस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। 19वें फिल्म फेयर पुरस्कार में चेन्नई एक्सप्रेस को 7 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेट्ठी, सर्वश्रेष्ठ अमिताभ खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पालकोर शामिल हैं। राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 वर्षीय आमिर कुमारे हैं, जिनके पिता और माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद 8 वर्ष की आयु से उनका पालन पोषण उनके नाना नानी ने किया। राहुल के दादा वाई मिठाई वाला एक व्यवसायी जो कन्फेक्शनरी दुकानों की एक श्रृंखला के मालिक वाई के 100वें जन्मदिन के जश्न से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और मामा ने उसे गोवा में छोटियों के लिए आमंत्रित किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इस बीच जश्न के पूर्व संध्या वाई की मृत्यु हो जाती है, जब वह टीवी पर क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर को 99 रन पर आउट होते देखता है। वाई के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि वाई चाहता था कि उसकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग को गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरे भाग को रामेश्वर में विसर्जित किया जाए। वह राहुल से अस्थियों को रामेश्वर में ले जाकर बिखेरने के लिए कहती है। अनिच्छा से वह उनके अनुरोध का स्वीकार करता है, लेकिन वो गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बॉबी और अम्बामन ने राख को गोवा में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है, जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और अम्बामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस में एक टिकट बुक करता है। हालांकि राहुल उतरते समय राख लेना भूल जाता है और जब वह राख लेने के लिए वापस आता है तो उसकी ट्रेन लगभग छूट जाती है। जैसे ही राहुल ट्रेन छोड़ने की कोशिश करता है, वह देखता है कि एक व्यक्ति उसमें चढ़ने के लिए दौड़ रही है। वह उसे और 4 लोगों के चलते ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, लेकिन उसके उतरने से पहले ही ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्म के गानों की पैरोडी गाकर बातचीत शुरू करती है और बताती है कि 4 लोग उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन उधार दिया ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे छीन लिया और ट्रेन से फेंक दिया। राहुल नाराज है लेकिन कुछ नहीं क्यों कहते, क्योंकि उन लोगों के पास हथियार है। राहुल यात्रा टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वे निरीक्षक को एक पुल के नीचे एक नदी में धक्का देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चला कि 4 आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका नाम मीना लोचनी मिनम्मा अजहगुसुंदरम है। वह तांगावली नाम के डॉन से जबरन शादी करने के बाद भाग रही है। मिनम्मा के पिता दुगेश अजहगुसुंदरम तमिलनाडु में एक शक्तिशाली माफिया सरगना और जमींदार है। मिनम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। तंगावली ने राहुल को दंडयुद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे तमिल में ज्ञान की कमी के कारण राहुल अनजाने में स्वीकार कर लेता है। द्वंद की रात राहुल एक स्थानीय पुलिस कर्मी समेसर की मदद से भाग जाता है, लेकिन वह श्रीलंकाई तस्करों के एक साथ निकनाव पर पहुंच जाता है। पुलिस बल और तस्करों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में लेते हैं तो वह अपनी कहानी बताता है और कुंबन में वापस आ जाता है भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के दरांती धारी गुंडों से घिरा हुआ। राहुल मिनम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है। जब कार खराब हो जाती है तो राहुल और मिनम्मा झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। राहुल यह नहीं जानता कि किस रास्ते पर जाना है। मिनम्मा के पास लौटता है जो उसे बिदम्बा गांव ले जाती है। मिनम्मा ने ग्रामीणों को बताया कि वह एक विवाहित जोड़े हैं जिसने सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण सहमत है। तब मिनम्मा को एहसास होता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है। जब राहुल चोरी से भागने की योजना बताता है तो वह तर्क देती है, क्योंकि वह ग्रामीणों को अविश्वास अर्जित नहीं करना चाहते। जब राहुल भागने की कोशिश करता है तो तंगावली उसे पकड़ लेता है, लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं। मिनम्मा ने राहुल को वाई की राख बिखरने के लिए राजी किया और उसे साथ रामेश्वर की यात्रा की, जहां उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया। वापस लौटते समय राहुल को पता चलता है कि उसे मिनम्मा से प्यार हो गया है और
वह उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह मिनम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और उसे मिनम्मा की इच्छा को समझाने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है। वह मिनम्मा से यह भी कहता है कि वह उससे प्यार करता है। राहुल तंगावली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद हुई लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन विजयी होता है। दुर्गेश और तंगावली ने यह सत्कार करते हुए सुधार किया कि राहुल जैसे आदमी आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता है और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है। दुर्गेश ने राहुल को मीना से शादी करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद राहुल एक संदेश छोड़ते हैं कि प्यार कोई क्षेत्र या भाषाई बांध नहीं जानता और मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस फिल्म के मीना लोशनी मिनम्मा आज हर कुसुद्रम के रूप में दीपिका पादुकोण, राहुल मिठाई वाला के रूप में शाहरुख खान, राहुल तंगावली के रूप में निकित इंधेर, सत्यराज दुर्गेश आज हर कुसुद्रम के रूप में कामनी कौशल, नीतू मिठाई वाला के रूप में वाई वाई मिठाई वाला के रूप में लेख टंडन और एक्सपेक्टर शमशेर सिंह के रूप में मुकेश तिवारी, पोविशा मनोहर, राधिका राधा अजह गुसुंदरम मिनिम्मा की चचेरी बहन, बाबन राहुल का दोस्त के रूप में मनु मलिक, रागेश कुकरेती बाबी रोल के दोस्त के रूप में मोहन रामन, गांव के पुजारी के रूप में योगी बाबू, श्री लंकाई तस्कर के रूप में दुर्गेश्वर के गुर्गे के रूप में जयसपाल, दुर्गेश के गुर्गे के रूप में विशेष टर्क, एक राहगीर के रूप में किंग कांग, जेमी मोशन एक ट्रक ड्राइवर के रूप में, एक ग्रामीण के रूप में दिल्ली गणेश, प्रियांगी आइटम नंबर 1 2 3 4 डांस फ्लोर पर। रोहित शेट्टी ने मूल रूप से 1982 की फिल्म अंगूर के रीमेक के लिए शाहरुख खान के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई थी। 2011 के ब्लॉकबस्टर सिंगम के बाद शेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू कर दी, लेकिन इसके आधा अधूरा छोड़ दिया। अभिनेता की फिल्मांकन तारीखें प्राप्त करने की कठिनाई के कारण चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट खान के लिए एक बैकअप के रूप में तैयार थी। स्क्रिप्ट पढ़ने पर खान को यह विचार पसंद आया और वह अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने के लिए असहमत हो गए, जिसके कारण अंगूर का रिमिक्स स्थगित हो गया। सेट्ठी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक एंगल वाले एक हार्ड कोर व्यावसायिक फिल्म है। कहानी इस आदमी को मुंबई से रामेश्वर तक की यात्रा और यात्रा के दौरान क्या होता है के बारे में है। लगभग 68 मिनट की फुटेज को रियाज मीडिया वर्क्स द्वारा CGI के साथ बढ़ाया गया था। खान स्पिट के साथ संपर्क करने वाले पहले अभिनेता थे और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। मुख्य नायिका के कास्टिंग बहुत प्रेस अटकलों के विषय थे। करीना कपूर, अश्विन और दीपिका पादुकोण के शामिल होने की अफवाह थी। शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा था कि कलाकारों को 2012 में अंतिम रूप दिया जाएगा और वे इस भूमिका के लिए एक स्थापित अभिनेत्री को देने जा रहे थे। 2012 में यह पुष्टि की गई कि दीपिका पादुकोण को खान के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका पादुकोण और खान की शूटिंग की तस्वीरें जारी की गई। खान के साथ यह पादुकोण की दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 के ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म की शुरुआत करते हुए जो महिला दिवस पर रिलीज हुई थी, खान चाहते थे कि क्रेडिट में उनकी महिला सह कलाकार का नाम उनके नाम से ऊपर हो। सत्यराज को बॉलीवुड के पर्दापण करते हुए पादुकोण के क्षेत्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री प्रियामणि को जनवरी 2013 में नयनतारा की जगह फिल्म एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था। दो अभिनेत्री अनिता जवान में खान के साथ अभिनय करेंगे। दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिल सिनेमा की अन्य हस्तियाँ छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती है। शुरुआत में फिल्म का नाम रेडिस्ट एडिट पोरक कहा गया था। हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैंगलाइन के रूप में इस्तेमाल किए गए नियुक्त शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः शीर्षक दिया गया था। फिल्मांकन और पोस्ट प्रोडक्शन परियोजना पर फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ। अतिरिक्त फिल्मांकन न्यूनतम दल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में किया गया था। मुख्य अभिनेता की तस्वीरें और अनौपचारिक रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी किए गए। नवंबर 2012 में कलाकार और चालक दल वहाँ से दृश्यों का फिल्मांकन शुरू करने के लिए गोवा गए। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन का उपयोग कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए किया जाता था। दूध सागर जल प्राप्त के बगल से गुजर रही ट्रेन पर एक रोमांटिक सीन भी फिल्माया गया था। दिसंबर 2012 में क्रू कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जकार्ता गया। पंबन ब्रिज जिसे अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडु के मंडपा शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वर से जोड़ता है।
तेरा रास्ता छोड़ूना गाने का दृश्य था जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी, लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है तो कला निर्देशक नरेंद्र रूहिकार द्वारा वाई में पंचगनी के बाहरी इलाकों में ऊटी के कई स्थानों का पुनर्निर्माण किया गया। आवश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन से अधिक का समय लगा। फिल्मांकन में 5 मार्च 2013 का पूरा महीना लगा। केरल के मुन्नार में 10 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुआ। दृश्य देवीकुलम, झील, मासिया, पुलिमा, बागर और चिकन्नीमाला में फिल्माए गए। भारी बारिश के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मई 2013 में उत्तरी गोवा में दृश्य फिल्माए गए। पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की। खान अपने शेष दृश्यों के फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी की फिल्म सिटी हैदराबाद गए। फिल्म में कई तमिल संवाद है, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का 2013 के मध्य में शुरू हुआ। दृश्य देवी कुलम, झील, मेसा, पुलिमाला, वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए। भारी बारिश का फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मई 2013 में उत्तरी गोवा में के दृश्य फिल्माए गए। पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की। खान अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद गए। फिल्म में कई तमिल संवाद है, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया। चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान, करीम मुरानी, रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ राय कपूर ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया था। इसे यूट्यूब मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचा गया था। गाने विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित थे और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो हनी सिंह द्वारा लिखे गए थे। गानों की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई। ट्रैक रेडी टेडी पो को संगीत के संगीतकारों द्वारा नवंबर 2012 में रिकॉर्ड किया गया था। कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशक और अभिनेता स्कोर से असंतुष्ट थे। कथित तौर पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों को खंडन किया। अप्रैल 2013 के मध्य में गायक एसपी बालासुब्रमण्यम ने फिल्म के लिए शीर्षक ट्रैक रिकॉर्ड किया, जो 15 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद प्लेबैक के लिए बॉलीवुड में उनकी वापसी का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि यह गाना एकजुटता की भावना का जश्न मनाना है। प्रारंभ में बालासुब्रमण्यम आशंकित थे, लेकिन फिल्म की सामग्री और मुख्य भूमिका के कारण उन्होंने गाना चुना। गाना 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रमोशनल सिंगल के रूप में जारी किया गया था। 27 जून 2013 को तेतली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और 11 जुलाई 2013 को कश्मीर मैं तो कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था। 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गाना अपलोड किया। हनी सिंह ने गाया और फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में गाने का शीर्षक लुंगी डॉल्स द थलाइवर आर ड्यूब्रूट था। 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता मैं छोड़ूना गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था। संगीत एल्बम 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। फिल्म का भारत में 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 शो के साथ पूर्वावलोकन किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस से गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया जाना था। पेरू में यह भारत की तरह एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। चेन्नई एक्सप्रेस को मोरक्को, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस की टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों के शो के दौरान सामान्य टैरिफ से 40% और सप्ताह पर 20% तक बढ़ गई थी। हालांकि यह वृद्धि सभी मल्टीप्लेक्सों के समान रूप से लागू नहीं की गई थी। यह फिल्म भारत में 2550 सिनेमाघरों में, 2550 स्क्रीनों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 स्क्रीन में रिलीज हुई, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 196 स्क्रीन, यूनाइटेड किंगडम में 175 स्क्रीन, मध्य पूर्व में 55 और ऑस्ट्रेलिया में 30 स्क्रीन शामिल है। उस समय तक की सबसे व्यापक बॉलीवुड रिलीज थी। चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक 1 जनवरी 2013 को जारी किया गया था। एसपी बालासुब्रमण्यम द्वारा गाया
गया 31 सेकंड का शीर्षक ट्रैक टीजर 23 मई 2013 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था 13 जून 2013 को। मुंबई में लॉन्च के 2 दिन बाद ही इसे यूट्यूब पर 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया। फिल्म में गान खान और पादुकोण द्वारा पहने गए परिधानों की नीलामी की कोई बिक्री प्राप्त आई एक चैरिटी के दान कर दी गई। नीलामी फिल्म के रिलीज के दिन के आसपास हुई। स्वीडिश गोमिंग स्टूडियो सिंगा बॉक्स द्वारा विकसित एक कराओके ऐप 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉयड और iOS आधार स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था। खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाटक सुजीत कापिल तारक मेहता का उल्टा चश्मा मधुबाला एक इश्क एक जुनून डीआईटी सुपर मॉम्स झलक दिखला जा 6 और 11 और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया। द डिडेस्ट गूगल के साल के अंत में सबसे अधिक बार खोजी जाने वाली कवेरी का इस कंगला में चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे ट्रेंडिंग विषय बताया। फिल्म के सैटेलाइट ने टेलीविजन अधिकारी जी नेटवर्क को 480 मिलियन में बेचे गए। यह समझौता फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व में जुड़ा था। भारत सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा यदि चेन्नई एक्सप्रेस ने 1.3 बिलियन से अधिक का शुद्ध संग्रह किया तो उसके बाद अर्जित प्रतीक 100 मिलियन के लिए निर्माताओं को अतिरिक्त 20 मिलियन मिलेंगे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 20 अक्टूबर 2013 को हुआ था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों ने देखा जो उच्चतम रेटिंग वाले फिक्शन शो से लगभग 2 गुना था। इसके अपने प्रसारक जी टीवी को उस महीने का सम्मान मनोरंजक चैनलों के बीच शीर्ष स्थान पर पहुंचने में मदद की। कानूनी मुद्दे वन अपॉन ए टाइम ने मुंबई दोबारा के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ दिया गया था क्योंकि एक ही दिन में 4 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी। रिलीज की तारीख 15 और 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिल्मांकन के अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सुखाग्र सतारा जिले में धोम बांध के बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के कारण मुसीबत पड़ गई थी। राज्य को राहत और पुनर्वास मंत्री पंतग्राव कदम ने समस्या का समाधान किया। ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म को पोस्टर और ट्रेलर के तमिल लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि पादुकोण का भारी उच्चारण वाला संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे से मिलता जुलता है। पादुकोण ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृति की नकल नहीं करती है और उनके सहित अधिकांश गुरु दक्षिण भारतीय है। बाद में उन्होंने कहा हम अपनी संस्कृति का अपमान क्यों करेंगे। 31 जुलाई 2013 को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवीन मारड़ सेना की फिल्म सखा ने फिल्म के प्रीमियर को बाहर करने की धमकी दी कथित और तौर पर इसने सिनेमाघरों से चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को हटाने का प्रयास किया जो एक समय में केवल एक ही फिल्म दिखती है। पार्टी उन खबरों के नाराज थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों से ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी जहाँ सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 2013 में 19 जुलाई से लोकप्रिय थी। 1 अगस्त 2013 को दोनों फिल्में निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय झा को राज ठाकरे के समाधान खोजने के लिए बुलाया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी को राज्य भर में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से नहीं हटाया गया तो मन से महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर आपत्ति नहीं करेगी। चेन्नई एक्सप्रेस 10 भाषाओं में रिलीज हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। बॉलीवुड हंगामा के तहत अजय ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस पर हर जगह ट्रेंड मार्क रोहित शेट्टी की छाप है। आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म मनोरंजक मनोरंजन और मनोरंजन की तलाश करते और फिल्म अपने आसपास के प्रचार और हंगामे पर खरी उतरी है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म में से 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा फिल्म हास्य शेट्टी के टुकड़ों और रंगीन स्थान और गानों से भरपूर शेट्टी चेट्टीनाड शैली की मसाला फिल्म बनाते और यह इस फिल्म का सही वर्णन है। यदि आप नाटकीय तत्वों और कथा की बहुपक्ष आलोचना में शामिल होने की योजनाएं न बनाएं तो यह फिल्म मजेदार हो सकती है। DNA की सरिता तवर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा कि यह सभी हिंदी फिल्में प्रेमियों के लिए एक सौगात है। इसमें वे सभी सामग्री है जिनकी आप एक बड़ी व्यवसायिक मसाला फिल्म से अपेक्षा करते हैं। बड़ी स्टार कास्ट ड्रामा एक्शन कॉमेडी गाने का पीछा करना और अंतःशरी शेट्टी के अप्रिय शैली में पेशकश किए गए कुल मिलाकर यह एक बबल गम ब्लॉकबस्टर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना आयन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा चेन्नई एक्सप्रेस एक शानदार फिल्म है। अपनी स्वयं के सिनेमा के लिए एक कविता में गोलमाल श्रृंखला या बोल बच्चन पढ़े। निर्देशक रोहित शेट्टी जो उन्होंने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में सबसे ज्यादा कमाई की है उनकी ईद गिर्द पेशकश के पैमाने को बढ़ाता है। NNTV के सैबल चैटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि SR के दीपिका का पूरे दिल से उत्साह और मजेदार वन और लाइन्स का निरंतर प्रवास शेट्टी के उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करता है जिससे चेन्नई एक्सप्रेस
बन जाती है एक पुरुष मसाला फिल्म जो अपनी रानी के बारे में पूरी तरह से समाज पार्थी अपने इरादों के बारे में पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी नहीं है और यह इसकी यूए से भी यूनिट सेलिंग पॉइंट जी न्यूज के फिल्म के पाँच में से 3 स्टार रेटिंग दी जिसमें कहा गया कि यदि कोई साधारण बात हो स्क्रिप्ट में के पंच की कमी और पूर्वा नियोक्ता को नजरअंदाज करता है वह अपनी व्यक्ति चेन्नई एक्सप्रेस के साथ मजेदार यात्रा के लिए तैयार है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 3 स्टार दिए। सबसे पहले अच्छी खबर, चेन्नई एक्सप्रेस कुछ हिस्सों में एक सुखद और पसंद करने योग्य फिल्म है। बुरी खबर यह है कि यह शाहरुख खान के अदम्य स्टार पावर के लिए हमें बताने के अलावा कुछ नहीं करती। 40 वर्ष से राहुल अब भी बिना लड़खड़ाए खेल सकते हैं। इंडिया टीवी के अभिषेक गुप्ता इसे 2.5 स्टार दिया। लिखा, आज के सिनेमा में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी को शायद ही कभी सलमान रोनने के साथ परोसा जाता है। हम रोहित शेट्टी को उनके सामूहिक अवकाश के लिए देखते हैं जिसमें अज्ञात कोनों से फराटा फैटी कार्य और कॉमेडी शामिल है जो थप्पड़ नहीं बल्कि काम करते हैं। आलोचक भरद्वाज रंगन ने लिखा, फिर भी सामग्री को देखते हुए शेट्टी क्लास से ज़्यादा सही करते हैं। शेट्टी ने शाहरुख खान की एक सोरील बनाई है, उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म के कुछ अंश उधार लिए हैं और हमें स्टार का एक अनमुक्त अवतार दिए है जो एक ही हाल में स्टार खुद को गले लगाने में कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म वास्तव में कुछ मजेदार छोर के साथ आती है। उन्होंने पादुकोण को लुक की सराहना की। हालांकि उन्होंने उनके स्टेज क्राफ्ट कौशल में पहलुओं की आलोचना की। Rediffy.com की सुकन्या और माने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहा, चेन्नई एक्सप्रेस कुछ हद तक हंसाती है लेकिन अन्यथा एसआई को मनोरंजन कॉमेडी से भयानक ड्रामा में बदलने का फैसला करती। डेक्कन कार्निल के खालिद मोहम्मद ने फिल्म को 2.5 स्टार दिया और लिखा, अपने जोखिम पर चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़े। CNN IVN के राजेश मसंद ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि फिल्म बड़ी मोटी थी। उन्होंने टिप्पणी की, चेन्नई एक्सप्रेस को एक फूला हुआ वैनिटी प्रोजेक्ट था और उन्हें लगा कि मुख्य अभिनेता बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए और कहा, चेन्नई एक्सप्रेस न तो रोहित की खूबियों से मिल खाती है और न ही शाहरुख खान की। यह घटिया हास्य आधे अधूरे रोमांस आधे अधूरे जज्बात और दिमागीपन का एक अजीब पूर्ण मिश्रण है। धमाकेदार एक्शन फिल्म के विशाल काय पुरुषों से भरी है जिनका आकार पंच नायक की तरह काम करता है। दैनिक भास्कर के मयंक शेखर ने इसे 5 में से 1 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, आपने टिकट के लिए भुगतान कर दिया है, हाँ अब बस आराम से बैठे और कष्ट सहें। रेडिफ के राजा सिंह ने फिल्म में 5 में से 1 स्टार दिया और कहा, शाहरुख खान चिल्लाते हैं, चिखते हैं, चिल्लाते हैं और नुकीले दांत दिखाते हैं और मुंह फुलाते हैं और खैर हर कदम पर जोर से ज़्यादा मुँह आवाजा देकर खुद को थका देते हैं। बावजूद इसके फिल्म में कोई भी उनका अनुसरण नहीं कर रहा है। टेम्पलेट द न्यू यॉर्क टाइम्स के राचेल शार्टन ने लिखा, चेन्नई एक्सप्रेस सावधानी से चुनी गई वाइन और स्वादिष्ट एपोटाइजर के साथ एक शानदार भोजन जैसा लगता है लेकिन एक खराब मुख्य कोर्स है। इस बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी रोमांस और चमकदार सितारों पर पैसा और दृश्य देखभाल बहुत अधिक की गई है। सगाई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, लेकिन फिल्म अपने 2 घंटे और 20 मिनट से अधिकांश समय में कॉमेडी और किरदारों को एक अत्यधिक अंतरंजित कहानी में खोजती रहती है। एमिरेट्स 24/7 की स्नेहा के फ्रांस ने लिखा, रोहित शेट्टी की इस रोमांस की शैली काफ़ी हद तक मजाक पर निर्भर करती है और मुख्य रूप से शाहरुख खान के वफादारों द्वारा इसकी सराहना की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, रोहित की कार्निवल जैसी कॉमेडी कुछ लोगों को हंसाती है लेकिन आपको थका सकती है। सिन्हा ने कहा कि पादुकोण का प्रदर्शन खान से फीका है। वैरायटी की रोनी स्किम ने लिखा, इस अत्यधिक काम वाली कॉमेडी रोमांस एक्शन फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की तुलना नहीं की जा सकती। अपने किरदारों की रोमांटिक वीरता के बनाए रखने की शेट्टी की जरूरत लगातार उनके हास्य पथ चित्रण के खिलाफ है। सोशल ब्रांडकास्टिंग सर्विस के साइमन फोस्टर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिया और इसे रोहित शेट्टी से बहुत व्यापक निर्देशक ब्रश एक जोरदार कमजोर दिमाग वाले रोमांटिक कॉमेडी के रूप में वर्णित किया। एसआर के अति प्रचारित वाहन को देखते हैं करश्माई, लेकिन उम्र दराज अभिनेता बुरी तरह से गलत समझ गए और आसानी से उनकी नायिका दीपिका पादुकोण से प्रभावित हो गए। उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। जब इसने 396 करोड़ का कलेक्शन किया और वर्तमान में दुनिया भर में 18वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म की कमाई ने 3 डेज द्वारा निर्धारित 392 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई 423 करोड़ थी। भारत बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रीव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी संस्करण ने
67.5 मिलियन का कलेक्शन किया था। थ्री इडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 292.5 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 264.3 मिलियन और 292.1 मिलियन का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया और 870.8 मिलियन भुगतान पूर्वालोकन सहित 938.3 मिलियन एकत्र किया। जवानी है दीवानी द्वारा निर्धारित पिछले सप्ताह रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चेन्नई एक्सप्रेस ने 3 दिवसीय सप्ताह में 1.59 बिलियन की कमाई करके दुनिया भर में शुरुआती कमाई की एक रिकॉर्ड बनाई। फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और 120 मिलियन और यूएस के 2.5 मिलियन डॉलर से अधिक का कलेक्शन किया। इसने अपने पहले मंगलवार को 115 मिलियन की कमाई की, जो भारत में शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने बुधवार को 125.60 मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया कि फिल्म ने गुरुवार को 190 मिलियन की शुद्ध कमाई की, जिसमें पहले सप्ताह में कुल कमाई भुगतान प्रारंभ सहित 1.461 बिलियन हो गई, जिसे एक था टाइगर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहले 7 दिनों में इसकी व्यावसायिक कमाई 2.5 बिलियन थी। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह में 237.50 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे कुल घरेलू कमाई 1.8 बिलियन हो गई और 10 दिनों में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई। दुनिया भर में कुल कमाई 3.14 बिलियन हो गई। फिल्म ने 2 सप्ताह में 1.85 बिलियन की कमाई की और घरेलू बाजार में अपने तीसरे सप्ताह के बाद 1.94 बिलियन की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह में इसने 160 मिलियन की कमाई की, जिससे उसकी कुल कमाई 275 बिलियन हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस ने अपने 4वें सप्ताह में 3 इडियट्स द्वारा बनाए गए घरेलू नेट रिकॉर्ड तोड़ दिया और 4वें सप्ताह में लगभग 57.40 मिलियन जोड़े, जिसमें कुल कमाई 2.6 बिलियन हो गए। फिल्म ने अपने 6वें सप्ताह में 3.5 मिलियन को कलेक्शन किया, जो कुल मिलाकर 2.25 बिलियन था। फिल्म की आजीवन घरेलू वितरित हिस्सेदारी 1.15 बिलियन है, जिसने एक था टाइगर के 1.7 बिलियन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशी रिकॉर्ड भी तोड़े। यूके के पेड प्रीव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन से अधिक कमाई की। फिल्म ने विदेशी क्षेत्र में शुरुआती सप्ताह के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 504.70 मिलियन की कमाई की, जिसमें यूएस के 2.22 मिलियन डॉलर, यूएस के एडी 7.73 मिलियन और यूके के प्रमुख बाजारों से रिकॉर्ड संग्रह शामिल था। 934 चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में शुरुआती सप्ताह में 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करके एक रिकॉर्ड बनाया। यह पाकिस्तान में भी सफल रही, जहां इसने मुद्रा एकत्र की। अपने शुरुआती सप्ताह में 18.4 मिलियन, 2021 में 94 मिलियन रुपए या यूएस में 320,000 के डॉलर के बराबर। 18 अगस्त तक फिल्म ने करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने की कराची में बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 40 मिलियन और यूएस के 140,000 डॉलर फिल्म में विदेशी बाजारों में केवल 9 दिनों में 420 मिलियन यानी कि 12.29 मिलियन डॉलर की कमाई की। दूसरे सप्ताह तक इसे लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेश में अपने तीसरे सप्ताह तक लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 4वें सप्ताह तक 16.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। 5वें सप्ताह तक फिल्म ने विदेशों में लगभग 17.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। अपने 6वें सप्ताह में भी इसकी कमाई जारी रही, जिससे इसकी कुल कमाई 17.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस एक से परफॉर्म रामेश्वर नामक एक प्लेटफॉर्म रनिंग गेम, जो फिल्म पर आधारित है और इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल है, को इंडिया गेम्स डिजनी यूटीबी की डिजिटल विंग द्वारा विकसित किया गया था और 24 जुलाई 2013 को एंड्रॉयड सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया। गेम में खिलाड़ी एक आभासी रोलर कोस्टर की सवारी करते गुंडों से लड़ते हैं और बाधाओं से बचते हैं, जबकि वे पादुकोण के गेम अवतार को अनलॉक करने के लिए 10,000 से अधिक सिक्के इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी के बारे में, जो कि 9 अगस्त 2013 में रिलीज हुई थी। इसके
यह फिल्म कॉमेडी में शाहरुख खान की कोशिश ठोस से जटिल हो जा रही है, लेकिन अधिकांश भाग में वो अपनी चमक से स्क्रीन को रोशन कर देते हैं। दोस्तों इसके कलाकार हैं रोहित शेट्टी, निर्देशक हैं और अभिनेता हैं शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सत्यराज अभिनेता हैं। चेन्नई एक्सप्रेस की मूवी समीक्षा के बारे में, टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में आलोचक की रेटिंग है 3.5/4। कहानी एक 40 वर्षीय पंजाबी व्यक्ति अपनी दादा की अस्थियों की दक्षिणी में विसर्जित करने के मिशन पर है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक युवा तमिलियन लड़की से होती है जो भाग गई है। उनका जीवन आपस में जुड़ जाता है और उसका यात्रा बिल्कुल अलग रास्ता अपना लेती है। समीक्षा अपने स्वयं की सिनेमा के लिए एक कविता में गोलमाल श्रृंखला बोल बच्चन रोहित शेट्टी की शैली में निर्देशक जिसने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में कमाई की है ने अपने इर्द गिर्द की पेशकश को पैमाने को बढ़ाया है। चेन्नई एक्सप्रेस श्री एक शानदार फिल्म है। कहानी विभाग में कभी भी मजबूत नहीं होने के कारण श्री के पास भी एक भरोसेमंद कथनांक है। राहुल शाहरुख खान को उसकी दादी कामिनी कौशल ने अपनी दादी की स्थितियों को भारत के सबसे दक्षिणी छोर रामेश्वर में छोड़ने के लिए कहा है। वह दादी को धोखा देने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़ता है, लेकिन उसे गुप्त रूप से अपने पुरुष मित्रों के साथ गोवा जाने की योजना बनाई है। अफसोस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फैशन में संकट में फंसी एक लड़की मीना दीपिका पादुकोण फुटपाथ पर खड़े होकर उससे अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहती है और उसका सामना करते हुए उसकी किस्मत बदल लेता है। उसे पता चलता है कि वह दक्षिण की ओर से गांव के एक डॉन की बेटी है और उसके साथ रहने वाली चचेरे भाई मॉन्ट्रियल में हल चाहते हैं कि वह घर लौटाए। उसके पिता चाहते हैं कि मीना पास के गाँव में एक अन्य हल्क निकेतन धीर से शादी कर ले ताकि वह दो गांवों पर शासन कर सके। मीना विरोध करती है और अपने पिता सत्यराज से आग्रह करती है कि वह राहुल ही है जो उसे पसंद करता है। पिता नरम पड़ जाता है लेकिन बाकी लोग विरोध करते हैं। यहां से राहुल लगातार दक्षिण भारतीय भीड़ को मात देने की कोशिश करते हैं और जैसे कि भारतीय मुख्यधारा सिनेमा में अपेक्षा की जाती है वह दर्शकों को हंसाने के लिए गाना बजाना शुरू कर देता है, नशे में धुत हो जाता है, जीपी उड़ा देता है और जिम कैश जैसा उत्साही अभिनय करते हैं जो मुख्य रूप से एक हिंदी फिल्म है। इसमें तमिल भाषा बहुत अधिक कम बोली जाती है। बड़ी चतुराई से लिखी गई पंक्तियां हैं जो आपने आपसे दक्षिण कम न आंकने के लिए कहती है क्योंकि यह गठबंधन सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन शेष भारत के लिए बहुत सारी बातचीत अनुवाद में खो जाती है। उप शीर्षक कम में होंगे काकटेल और ये दीवानी है दीवानी के बाद दीपिका एक बार फिर शानदार फॉर्म में है। कॉमेडी में शाहरुख खान की कोशिश ठोस से जटिल होती है, लेकिन अधिकांश भाग में वो अपनी चमक से स्क्रीन की रोशन कर देते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस के लिए यह समीक्षा न्यू मूवी चेन्नई एक्सप्रेस के लिए है। यह शाहरुख खान की उत्कृष्ट कृति और दीपिका पादुकोण की यह बहुत ही फिल्म पसंद आई। अद्भुत कहानी पटकथा पंच हासी कॉमेडी के साथ उत्कृष्ट फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, मेरे लिए सदाबहार है फिल्म यह। तो दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस की बात करते हैं तो चेन्नई एक्सप्रेस 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और ईटीवी मोशन पिक्चर्स और रेड चीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। इसमें दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के साथ निकी तीन धीर सत्यराज कामिनीश कौशल और लेक टंडन सहायक भूमिकाओं में है। यह फिल्म एक अमीर आदमी राहुल मिठाई वाला के इर्द गिर्द घूमती है जो गलती से उसी नाम के ट्रेन में चढ़ जाता है और एक प्रभावशाली डॉन की बेटी के साथ मुंबई से रामेश्वर तक की यात्रा कराता है। चेन्नई एक्सप्रेस के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इनिस साजवाल फरहाद साजी संवाद द्वारा लिखित है यह मूवी। और इस चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की कहानी के हैं सुभाष के सुभाष और यह द्वारा उत्पादित है रोहिण शुक्रवार सिद्धार्थ राय कपूर गौरी खान किरण मुरानी अभिनय किए हैं इस मूवी में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान। छायाकार हैं ढूंढुले द्वारा संपादित है स्टीवन एच पनाडे। संगीत दिया है मूल साउंडट्रैक विशाल शेखर बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले अतिथि संगीतकार यो हनी सिंह। उत्पादक कंपनियां यूटीवी मोशन पिक्चर्स रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित है यूटीवी मोशन पिक्चर्स। रिलीज की तिथि है 8 अगस्त 2013 विदेशी बाजार और 9 अगस्त 2013 भारत। कार्यकारी का समय है 141 मिनट। देश है भारत। भाषा हिंदी। बजट 70 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे है 423 करोड़। खान और शेट्टी के बीच पहला नियोजित संयुक्त अंगूर 1982 की रीमेक थी।
इसके बजाय चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट को चुना गया जो शुरू में खान के लिए एक बैकअप प्रोजेक्ट के रूप में लिखी गई थी, एक व्यावसायिक रोमांस के रूप में कल्पना की गई। इस फिल्म का मूल नाम रेड्डी स्टेडी बो था। फिल्मांकन अक्टूबर 2012 में हेबू स्टूडियो में शुरू हुआ और मई 2013 तक पूरा हो गया। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था, जिसके लिए वाई और रामोजी फिल्म सिटी में भी सेट का निर्माण किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा ऊटी में सेट किया गया था, जिसके लिए वाई आर रामजो फिल्म सिटी में भी सेट का निर्माण किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का साउंडट्रैक विशाल शेखर द्वारा तैयार किया गया था, जबकि बैकग्राउंड स्कोर अमर मोहिले द्वारा तैयार किया गया था। स्वदेश 2000 के बाद खान के साथ अपना पहला स्क्रीन प्रोजेक्ट बनाते हुए ई2वी मोशन पिक्चर्स निर्माता और वितरक के रूप में बोर्ड पर आया। चेन्नई एक्सप्रेस को 8 अगस्त 2013 को विदेश बाजारों में और एक दिन बाद भारत में नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने भारत और विदेशों में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और घरेलू स्तर पर 1 बिलियन की कमाई करने वाली सबसे तेज फिल्म बन गई। यह फिल्म 3 इडियट्स 2009 के पीछे छोड़ते हुए उस समय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। 19वें फिल्म फेयर पुरस्कार में चेन्नई एक्सप्रेस को 7 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सेट्ठी, सर्वश्रेष्ठ अमिताभ खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पालकोर शामिल हैं। राहुल मिठाई वाला मुंबई में रहने वाला 40 वर्षीय आमिर कुमारी हैं, जिनके पिता और माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद 8 वर्ष की आयु से उनका पालन पोषण उनके नाना नानी ने किया। राहुल के दादा वाई मिठाई वाला एक व्यवसायी जो कन्फेक्शनरी दुकानों की एक श्रृंखला के मालिक वाई के 100वें जन्मदिन के जश्न से पहले राहुल के दोस्त बॉबी और मामा ने उसे गोवा में छोटियों के लिए आमंत्रित किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इस बीच जश्न की पूर्व संध्या वाई की मृत्यु हो जाती है, जब वह टीवी पर क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर को 99 रन पर आउट होते देखता है। वाई के अंतिम संस्कार के बाद राहुल की दादी नीतू ने राहुल को बताया कि वाई चाहता था कि उसकी राख को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग को गंगा में विसर्जित किया जाए और दूसरे भाग को रामेश्वर में विसर्जित किया जाए। वह राहुल से अस्थियों को रामेश्वर में ले जाकर बिखेरने के लिए कहती है। अनिच्छा से वह उनके अनुरोध का स्वीकार करता है, लेकिन वो गोवा यात्रा में शामिल होने के लिए भी उत्सुक है। राहुल, बॉबी और अम्बामन ने राग को गोवा में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन नीतू उसे विदा करना चाहती है, जिससे राहुल को ट्रेन से यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कल्याण जंक्शन स्टेशन पर रास्ते में बॉबी और अम्बामन से मिलने की योजना बनाते हुए चेन्नई एक्सप्रेस में एक टिकट बुक करता है। हालांकि राहुल उतरते समय राख लेना भूल जाता है और जब वह राख लेने के लिए वापस आता है तो उसकी ट्रेन लगभग छूट जाती है। जैसे ही राहुल ट्रेन छोड़ने की कोशिश करता है, वह देखता है कि एक व्यक्ति उसमें चढ़ने के लिए दौड़ रही है। वह उसे और 4 लोगों के चलते ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है, लेकिन उसके उतरने से पहले ही ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है। राहुल उस महिला के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है जो हिंदी फिल्म की गानों की पैरोडी गाकर बातचीत शुरू करती है और बताती है कि 4 लोग उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने उसे अपना मोबाइल फ़ोन उधार दिया ताकि वह अपने दोस्तों से संपर्क कर सके, लेकिन उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे छीन लिया और ट्रेन से फेंक दिया। राहुल नाराज है, लेकिन कुछ नहीं क्यों कहते क्योंकि उन लोगों के पास हथियार है। राहुल यात्रा टिकट परीक्षक को उनके बारे में बताता है, लेकिन वे निरीक्षक को एक पुल के नीचे एक नदी में धक्का देते हैं। घबराए हुए राहुल को पता चला कि 4 आदमी उसके चचेरे भाई हैं और उसका नाम मीना लोचनी मिनम्मा अजहगुसुंदरम है। वह तांगावली नाम के डॉन से जबरन शादी करने के बाद भाग गए। मिनम्मा के पिता दुर्गेश अजहगुसुंदरम तमिलनाडु में एक शक्तिशाली माफिया सरगना और जमींदार है। मिनम्मा राहुल को दुर्गेश के पास ले जाती है और राहुल को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। तंगावली ने राहुल को दंडयुद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे तमिल में ज्ञान की कमी के कारण राहुल अनजाने में स्वीकार कर लेता है। दंड की रात राहुल एक स्थानीय पुलिस कर्मी समेत की मदद से भाग जाता है, लेकिन वह श्रीलंकाई तस्करों के एक साथ निकनाव पर पहुंच जाता है। पुलिस बल और तस्करों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। जब पुलिस अधिकारी जांच करते हैं और राहुल को हिरासत में लेते हैं तो वह अपनी कहानी बताता है और कुंबन में वापस आ जाता है। भयभीत और एक बार फिर दुर्गेश के
दरांती धारी गुंडों से घिरा हुआ राहुल मिनम्मा को बंधक बनाने का नाटक करता है और दुर्गेश के आदमियों से लड़ते हुए दुर्गेश की कार में उसके साथ भाग जाता है। जब कार खराब हो जाती है तो राहुल और मिनम्मा झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। राहुल यह नहीं जानता कि किस रास्ते पर जाना है। मिनम्मा के पास लौटता है जो उसे बिदम्बा गाँव ले जाती है। मिनम्मा ने ग्रामीणों को बताया कि वह एक विवाहित जोड़े हैं जिसने सुरक्षा और आराम की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण सहमत है। तब मिनम्मा को एहसास होता है कि उसे राहुल से प्यार हो गया है। जब राहुल चोरी से भागने की योजना बताता है तो वह तर्क देती है क्योंकि वह ग्रामीणों को अविश्वास अर्जित नहीं करना चाहती। जब राहुल भागने की कोशिश करता है तो तंगावली उसे पकड़ लेता है, लेकिन ग्रामीण उन्हें फिर से भागने में मदद करते हैं। मिनम्मा ने राहुल को वाई वाई की राख बिखरने के लिए राजी किया और उसे साथ रामेश्वर की यात्रा की जहाँ उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया। वापस लौटते समय राहुल को पता चलता है कि उसे मिनम्मा से प्यार हो गया है और वह उसे नहीं बताता कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह मिनम्मा को दुर्गेश के पास वापस ले जाता है और उसे मिनम्मा की इच्छा को समझाने और उसका सम्मान करने की कोशिश करता है। वह मिनम्मा से यह भी कहता है कि वह उसे प्यार करता है। राहुल तंगावली और उसके गुंडों से कहता है कि वह इस बार लड़ाई के लिए तैयार है। इसके बाद हुई लड़ाई में राहुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन विजयी होता है। दुर्गेश और तंगावली ने यह सत्कार करते हुए सुधार किया कि राहुल जैसे आदमी आम आदमी का प्यार उनकी शारीरिक क्षमता है और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा है। दुर्गेश ने राहुल को मीना से शादी करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद राहुल एक संदेश छोड़ते हैं कि प्यार कोई क्षेत्र या भाषाएं बांधा नहीं जानता और मजबूत दिल के साथ आम आदमी क्या हासिल कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इस फिल्म के मीना रोशनी मिनम्मा अजहर कुसुद्रम के रूप में दीपिका पादुकोण, राहुल मिठाई वाला के रूप में शाहरुख खान, राहुल तंगावली के रूप में निकितिन धीर, सत्यराज दुर्गेश्वर दुर्गेश अजहर कुसुद्रम के रूप में कामनी कौशल, नीतू मिठाई वाला के रूप में वाई वाई मिठाई वाला के रूप में लेखी टंडन और एक्सपेक्टर शमशेर सिंह के रूप में मुकेश तिवारी, पोविशा मनोहर, राधिका राधा अजहर गुसुंदरम मिनम्मा की चचेरी बहन, बाबन राहुल का दोस्त के रूप में मनु मलिक, रागेश कुकरेती बाबी रोल के दोस्त के रूप में मोहन रामन, गांव के पुजारी के रूप में योगी बाबू, श्री लंकाई तस्कर के रूप में दुर्गेश्वर के गुर्गे के रूप में जयसपाल, दुर्गेश के गुर्गे के रूप में विशेष टर्क, एक राहगीर के रूप में किंग कांग, जेमी मोशन एक ट्रक ड्राइवर के रूप में, एक ग्रामीण के रूप में दिल्ली गणेश, प्रियामी आइटम नंबर 1 2 3 4 डांस फ्लोर पर। रोहित शेट्टी ने मूल रूप से 1982 की फिल्म अंगूर के रीमेक के लिए शाहरुख खान के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई थी। 2011 के ब्लॉकबस्टर सिंघम के बाद शेट्टी ने फिल्म की पटकथा लिखना शुरू कर दी, लेकिन इसके आधा अधूरा छोड़ दिया। अभिनेता की नामांकन तैयारी के प्राप्त करने की कठिनाई के कारण चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रिप्ट खान के लिए एक बैकअप के रूप में तैयार थी। स्क्रिप्ट पढ़ने पर खान को यह विचार पसंद आया और वह अंगूर के रीमेक से पहले इसमें अभिनय करने के लिए असमर्थ हो गए, जिसके कारण अंगूर का रिमिक्स स्थगित हो गया। सेट्ठी ने कहा कि फिल्म रोमांटिक एंगल वाले एक हार्ड कोर व्यावसायिक फिल्म है। कहानी इस आदमी को मुंबई से रामेश्वर तक की यात्रा और यात्रा के दौरान क्या होता है के बारे में है। लगभग 68 मिनट की फुटेज को रियाज मीडिया वर्क्स द्वारा CGI के साथ बढ़ाया गया था। खान स्पीड के साथ संपर्क करने वाले पहले अभिनेता थे और फिल्म के लिए साइन किए जाने वाले पहले मुख्य अभिनेता थे। रोहित शेट्टी ने कहा कि शीर्षक के बावजूद खान फिल्म में दक्षिण भारतीय की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। मुख्य नायिका के कास्टिंग बहुत प्रेस अटकलों के विषय थे। करीना कपूर, असिन और दीपिका पादुकोण के शामिल होने की अफवाह थी। शेट्टी ने उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें कहा था कि कलाकारों को अप्रैल 2022 में अंतिम रूप दिया जाएगा और वे इस भूमिका के लिए एक अस्थापित अभिनेत्री को देने जा रहे थे। अक्टूबर 2022 में यह पुष्टि की गई कि दीपिका पादुकोण को खान के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया था और दीपिका पादुकोण और खान की शूटिंग की तस्वीरें जारी की गई। खान के साथ यह पादुकोण की दूसरी फिल्म थी जिसके साथ उन्होंने 2007 के ब्लॉकबस्टर ओम शांति ओम से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। इस फिल्म की शुरुआत करते हुए जो महिला दिवस पर रिलीज हुई थी, खान चाहते थे कि क्रेडिट में उनकी महिला सह कलाकार का नाम उनके नाम से ऊपर हो। सत्यराज को बॉलीवुड के पर्दापण करते हुए पादुकोण के क्षेत्र के पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री प्रियामणि को जनवरी 2013 में नयनतारा की जगह फिल्म एक आइटम नंबर के लिए साइन किया गया था। दो अभिनेत्री अनिता जवान में खान के साथ अभिनय करेंगे। दिल्ली गणेश और मोहन रमन सहित तमिल सिनेमा की अन्य हस्तियाँ छोटी भूमिकाओं में दिखाई देती। शुरुआत में फिल्म का नाम रेडी स्टेडी पोरक कहा गया था। हालांकि दक्षिण भारत के साथ संबंध पर जोर देने के लिए फिल्म को टैंकलाइन के रूप में इस्तेमाल
किए गए नियुक्त शीर्षक के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के रूप में पुनः शीर्षक दिया गया था। फिल्मांकन और पोस्ट प्रोडक्शन परियोजना पर फिल्मांकन 5 अक्टूबर 2012 को मुंबई के महबूब स्टूडियो में शुरू हुआ। अतिरिक्त फिल्मांकन न्यूनतम दल के साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में किया गया था। मुख्य अभिनेता की तस्वीरें और अनौपचारिक रूप से अक्टूबर 2012 के मध्य में जारी किए गए। नवंबर 2022 में कलाकार और चालक दल वहाँ से दृश्यों का फिल्मांकन शुरू करने के लिए गोवा गए। वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन का उपयोग कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन के रूप में चित्रित करने के लिए किया जाता था। दूध सागर जल प्राप्त के बगल से गुजर रही ट्रेन पर एक रोमांटिक सीन भी फिल्माया गया था। दिसंबर 2012 में क्रू कुछ दृश्यों को फिल्माने के लिए जकार्ता गया। पंबन ब्रिज, जिसे अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु के मंडपा शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वर से जोड़ता है। तेरा रास्ता छोड़ना गाने का दृश्य था। जनवरी 2013 में एक शूटिंग ऊटी में होने वाली थी, लेकिन चूंकि खान को लगा कि ऊटी मुंबई से बहुत दूर है, तो कला निर्देशक नरेंद्र रोहिकार द्वारा वाई में पंचगनी के बाहरी इलाकों में ऊटी के कई स्थानों का पुनर्निर्माण किया गया। आवश्यक सेट बनाने में 40 दिन और 15 मिलियन से अधिक का समय लगा। फिल्मांकन में पाँच मार्च 2013 का पूरा महीना लगा। केरल के मुन्नार में 10 दिवसीय शूटिंग कार्यक्रम अप्रैल 2013 के मध्य में शुरू हुआ। दृश्य देवीकुलम झील, मासेपुलिमा, बागर और चिकन्नीमाला में फिल्माए गए। भारी बारिश के कारण फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया। मुन्नार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। मई 2013 में उत्तरी गोवा में दृश्य फिल्माए गए। पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की। खान अपने शेष दृश्यों के फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी की फिल्म सिटी हैदराबाद गए। फिल्म में कई तमिल संवाद है, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का 2013 के मध्य में शुरू हुआ। दृश्य देवी कुलम झील, मेसापुली माला, वागवारा और कन्नीमाला में फिल्माए गए। भारी बारिश काल फिल्मांकन कई दिनों तक रुका रहा, जिसके परिणाम स्वरूप शेड्यूल को उसी महीने के अंत तक थोड़ा बढ़ा दिया गया। मुन्नार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। मई 2013 में उत्तरी गोवा में के दृश्य फिल्माए गए। पादुकोण ने 25 मई 2013 को शूटिंग पूरी की। खान अपने शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए मई 2013 में रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद गए। फिल्म में कई तमिल संवाद है, लेकिन संदर्भ को बनाए रखने के लिए किसी उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया गया। चेन्नई एक्सप्रेस का निर्माण गौरी खान, करीम मुरानी, रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ राय कपूर ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बैनर के तहत किया था। इसे यूट्यूबी मोशन पिक्चर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस का स्कोर अमर मोहिले द्वारा रचा गया था। गाने विशाल शेखर की जोड़ी द्वारा रचित थे और गीत अमिताभ भट्टाचार्य और यो हनी सिंह द्वारा लिखे गए थे। गानों की रिकॉर्डिंग अक्टूबर 2012 के अंत में शुरू हुई। ट्रैक रेडी टेडी पो को संगीत के संगीतकारों द्वारा नवंबर 2012 में रिकॉर्ड किया गया था। कई सूत्रों ने कहा कि निर्देशक और अभिनेता स्कोर से असंतुष्ट थे। कथिक और पर निर्देशक को एक अलग संगीत रचना की योजना बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि संगीतकारों ने इन अफवाहों को खंडन किया। अप्रैल 2013 के मध्य में गायक SP बालासुब्रमण्यम ने फिल्म के लिए शीर्षक ट्रैक रिकॉर्ड किया, जो 15 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद प्लेबैक के लिए बॉलीवुड में उनकी वापसी का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि यह गाना एकजुटता की भावना का जश्न मनाना है। प्रारंभ में बालासुब्रमण्यम आशंकित थे, लेकिन फिल्म की सामग्री और मुख्य भूमिका के कारण उन्होंने गाना चुना। गाना 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर विश्व संगीत दिवस पर एक प्रमोशनल सिंगल के रूप में जारी किया गया था। 27 जून 2013 को तेतली गाने का वीडियो प्रोमो जारी किया गया था और 11 जुलाई 2013 को कश्मीर मैं तू कन्याकुमारी का प्रोमो वीडियो जारी किया गया था। 19 जुलाई 2013 को टी सीरीज ने यूट्यूब पर अपने आधिकारिक चैनल पर एक गाना अपलोड किया। हनी सिंह ने गाया और फिल्म अभिनेता रजनीकांत के सम्मान में गाने का शीर्षक लुंगी डॉल द थलाइवर आर ड्यूब्रूट था। 25 जुलाई 2013 को तेरा रास्ता मैं छोड़ूंगा गीत का एक प्रचार वीडियो जारी किया गया था। संगीत एल्बम 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। फिल्म का भारत में 8 अगस्त 2013 को मल्टीप्लेक्स में 10 से 12 शो के साथ पूर्वावलोकन किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस से गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया जाना था। पेरू में यह भारत
की तरह एक ही दिन रिलीज होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। चेन्नई एक्सप्रेस को मोरक्को, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इजराइल में भी जारी किया गया था। चेन्नई एक्सप्रेस की टिकटों की कीमत सप्ताह के दिनों के शो के दौरान सामान्य टैरिफ से 40% और सप्ताह पर 20% तक बढ़ गई थी। हालांकि यह वृद्धि सभी मल्टीप्लेक्सों के समान रूप से लागू नहीं की गई थी। यह फिल्म भारत में 2550 सिनेमाघरों में, 2550 स्क्रीनों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 स्क्रीन में रिलीज हुई, जिसमें उत्तरी अमेरिका में 196 स्क्रीन, यूनाइटेड किंगडम में 175 स्क्रीन, मध्य पूर्व में 55 और ऑस्ट्रेलिया में 30 शामिल है। वो इस समय तक की सबसे व्यापक बॉलीवुड रिलीज थी। चेन्नई एक्सप्रेस का पहला लुक 1 जनवरी 2013 को जारी किया गया था। ASP बालासुब्रमण्यम द्वारा गया 31 सेकंड का शीर्षक ट्रैक टीजर 23 मई 2013 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर एक कार्यक्रम में जारी किया गया था 13 जून 2013 को। मुंबई में लॉन्च के 2 दिन बाद ही इसे यूट्यूब पर 4 मिलियन से अधिक बार देखा गया। फिल्म में गान खान और पादुकोण द्वारा पहने गए परिधानों के नीलामी की कोई बिक्री प्राप्त आई, एक चैरिटी के दान कर दी गई। नीलामी फिल्म के रिलीज के दिन के आसपास हुई। स्वीडिश गोमिंग स्टूडियो सिंगा बॉक्स द्वारा विकसित एक कराओके 2 अगस्त 2013 को एंड्रॉइड और iOS आधारित स्मार्टफोन के लिए लॉन्च किया गया था। खान ने रियलिटी टेलीविजन शो कॉमेडी नाटक सुजीत कापिल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मधुबाला, एक इश्क एक जुनून, DIT सुपर मॉम्स, झलक दिखला जा 6 और एलियस और इंडियन आइडल जूनियर पर अपनी फिल्म का प्रचार किया। द डिटेक्टिस्ट गूगल के साल के अंत में सबसे अधिक बार खोजी जाने वाली कवरी का इस कंगला में चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में 2013 का सबसे ट्रेंडिंग विषय बताया। फिल्म के सैटेलाइट ने टेलीविजन अधिकारी जी नेटवर्क को 480 मिलियन में बेचे गए। यह समझौता फिल्म के बॉक्स ऑफिस राजस्व में जुड़ा था। भारत सिनेमा में अपनी तरह का पहला सौदा यदि चेन्नई एक्सप्रेस ने 1.3 बिलियन से अधिक का शुद्ध संग्रह किया तो उसके बाद अर्जित प्रत्येक 100 मिलियन के लिए निर्माताओं को अतिरिक्त 20 मिलियन मिलेंगे। फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 20 अक्टूबर 2013 को हुआ था और इसे रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों ने देखा, जो उच्चतम रेटिंग वाले फिक्शन शो से लगभग 2 गुना था। इसके अपने प्रसारक ZTV को उस महीने का सम्मान मनोरंजक चैनलों के बीच शीर्ष स्थान पर पहुँचने में मदद की। कानूनी मुद्दे और टाइम्स ने मुंबई दोबारा के साथ चेन्नई एक्सप्रेस के शुरू में पाकिस्तानी वितरकों और प्रदर्शकों द्वारा छोड़ दिया गया था, क्योंकि एक ही दिन में 4 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज हुई थी। रिलीज की तरह क्रमश 15 और 9 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। फिल्मांकन के अपने वाई शेड्यूल के दौरान फिल्म की यूनिट महाराष्ट्र के सुखागर सतारा जिले में धोम बांध के बहुत अधिक पानी का उपयोग करने के कारण मुसीबत पड़ गई थी। राज्य को राहत और पुनर्वास मंत्री पंतग्राव कदम ने समस्या का समाधान किया। ट्विटर और यूट्यूब पर जारी फिल्म को पोस्टर और ट्रेलर के तमिल लोकाचार के चित्रण के लिए कुछ तमिल मीडिया द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि पादुकोण का भारी उच्चारण वाला संवाद तमिल के बजाय मलयाली लहजे से मिलता जुलता है। पादुकोण ने फिल्म का बचाव करते हुए कहा कि यह दक्षिण भारतीय संस्कृति की नकल नहीं करती है और उनके सहित अधिकांश क्रू दक्षिण भारतीय है। बाद में उन्होंने कहा, हम अपनी संस्कृति का अपमान क्यों करेंगे। 31 जुलाई 2013 को राष्ट्रवादी राजनीतिक दल महाराष्ट्र नवीन मारा सेना की फिल्म सखा ने फिल्म के प्रीमियर को बाहर करने के धमकी दी। कथित और तौर पर इसने सिनेमाघरों से चल रही लोकप्रिय मराठी फिल्मों को हटाने का प्रयास किया, जो एक समय में केवल एक ही फिल्म दिखती है। पार्टी उन खबरों के नाराज थी कि चेन्नई एक्सप्रेस के वितरकों से ने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों और कुछ मल्टीप्लेक्स में प्राइम स्लॉट की मांग की थी, जहाँ सुपरहिट मराठी फिल्म दुनियादारी 2013 में 19 जुलाई से लोकप्रिय थी। 1 अगस्त 2013 को दोनों फिल्में निर्देशकों रोहित शेट्टी और संजय झारा को राज ठाकरे के समाधान खोजने के लिए बुलाया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठाकरे ने फैसला सुनाया कि अगर दुनियादारी को राज्य भर में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों से नहीं हटाया गया तो मन से महाराष्ट्र में चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज पर आपत्ति नहीं करेगी। चेन्नई एक्सप्रेस 10 भाषाओं में रिलीज हुई थी। चेन्नई एक्सप्रेस को दुनिया भर के आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। बॉलीवुड हंगामा के थ्रेड आदर्श ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिया और लिखा, कुल मिलाकर चेन्नई एक्सप्रेस पर हर जगह ट्रेडमार्क रोहित शेट्टी की छाप है। आप चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म मनोरंजक मनोरंजन और मनोरंजन की तलाश करते हैं और फिल्म अपने आसपास के प्रचार और हंगामे पर खरी उतरी है। फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने फिल्म में से 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, फिल्म हास्य सेट्स के टुकड़ों और रंगीन स्थान और गानों से भरपूर है। शेट्टी चेट्टीनाड शैली की मसाला फिल्म बनाते और यह इस फिल्म का सही वर्णन है। यदि आप नाटकीय तत्वों और कथा की बहुपक्षीय आलोचना में शामिल
होने की योजनाएं न बनाए तो यह फिल्म मजेदार हो सकती है। DNA की सरिता तवर ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दी और कहा कि यह सभी हिंदी फिल्में प्रेमियों के लिए एक सौगात है। इसमें वे सभी सामग्री है जिनकी आप एक बड़ी व्यावसायिक मसाला फिल्म से अपेक्षा करते हैं। बड़ी स्टार कास्ट, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, गाने का पीछा करना और अंत शरीर शेट्टी के अप्रिय शैली में पेशकश किए गए। कुल मिलाकर यह एक बबल गम ब्लॉकबस्टर है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मीना आयन ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार देते हुए कहा, चेन्नई एक्सप्रेस एक शानदार फिल्म है। अपनी स्वयं के सिनेमा के लिए एक कविता में गोलमाल श्रृंखला या बोल बच्चन पढ़े। निर्देशक रोहित शेट्टी, जो उन्होंने बॉलीवुड के 100 करोड़ क्लब में सबसे ज्यादा कमाई की है, उनकी ईद गिर्द पेशकश के पैमाने को बढ़ाता है। NNTV के सैबल चैटर्जी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा कि SR के दीपिका का पूरे दिल से उत्साह और मजेदार वन और लाइन्स का निरंतर प्रवास सिटी के उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करता है, जिससे चेन्नई एक्सप्रेस बन जाती है एक पूर्व मसाला फिल्म जो अपनी रानी के बारे में पूरी तरह से समाज पार्थिव अपने इरादों के बारे में पूरी तरह से क्षमा प्रार्थी नहीं है। और यह इसकी USP यूनिट सेलिंग पॉइंट। जी न्यूज के फिल्म के 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी, जिसमें कहा गया कि यदि कोई साधारण बात हो, स्क्रिप्ट में के पंच की कमी और पूर्वा नियोक्ता को नजरअंदाज करता है, वह अपनी व्यक्ति चेन्नई एक्सप्रेस के साथ मजेदार यात्रा के लिए तैयार है। इंडिया टुडे ने फिल्म को 3 स्टार दिए। सबसे पहले अच्छी खबर, चेन्नई एक्सप्रेस कुछ हिस्सों में एक सुखद और पसंद करने योग्य फिल्म है। बुरी खबर यह है कि यह शाहरुख खान के अदम्य स्टार पावर के लिए हमें बताने के अलावा कुछ नहीं करती। 40 वर्ष से राहुल अब भी बिना लड़खड़ाए खेल सकते हैं। India TV के अभिषेक गुप्ता इसे 2.5 स्टार दिए और लिखा, आज के सिनेमा में एक्शन के साथ साथ कॉमेडी को शायद ही कभी सम्मान रौनक के साथ परोसा जाता है। हम रोहित शेट्टी को उनके सामूहिक अवकाश के लिए देखते हैं, जिसमें अज्ञात कोनों से फराटा फैटी कार्य और कॉमेडी शामिल है, जो थप्पड़ नहीं बल्कि काम करते हैं। आलोचक भरद्वाज रंगन ने लिखा, फिर भी सामग्री को देखते हुए शेट्टी क्लास से ज़्यादा सही करते हैं। शेट्टी ने शाहरुख खान की एक सोरील बनाई है, उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म के कुछ अंश उधार लिए हैं और हमें स्टार का एक अनमुक्त अवतार दिए है, जो एक ही हाल में स्टार खुद को गले लगाने में कुछ हद तक शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए और लिखा कि फिल्म वास्तव में कुछ मजेदार छोर के साथ आती है। उन्होंने पादुकोण को लुक की सराहना की, हालांकि उन्होंने उनके स्टेज क्राफ्ट कौशल में पहलुओं की आलोचना की। Rediffy.com की सुकन्या और माने फिल्म को 2.5 स्टार देते हुए कहा, चेन्नई एक्सप्रेस कुछ हद तक हंसाती है, लेकिन अन्यथा स्टाइल को मनोरंजन कॉमेडी से भयानक ड्रामा में बदलने का फैसला कर दिया। डेक्कन कार्निल के खालिद मोहम्मद ने फिल्म को 2.5 स्टार दिया और लिखा, अपने जोखिम पर चेन्नई एक्सप्रेस में चढ़े। CNN IVN के राजेश मसंद ने फिल्म को 5 में से 2 रेटिंग दी और कहा कि फिल्म बड़ी मोटी थी। उन्होंने टिप्पणी की, चेन्नई एक्सप्रेस को एक फूला हुआ वैनिटी प्रोजेक्ट था और उन्हें लगा कि मुख्य अभिनेता बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। अनुपमा चोपड़ा ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दी और कहा, चेन्नई एक्सप्रेस न तो रोहित की खूबियों से मिल खाती है और न ही शाहरुख खान की। यह घटिया हास्य, आधे अधूरे रोमांस, आधे अधूरे जज्बात और दिमागीपन का एक अजीब सा पूर्ण मिश्रण है। धमाकेदार एक्शन फिल्म के विशालकाय पुरुषों से भरी है, जिनका आकार पंच नाइन की तरह काम करता है। दैनिक भास्कर के मयंक शेखर ने इसे 5 में से 1 स्टार रेटिंग देते हुए कहा, आपने टिकट के लिए भुगतान कर दिया है, हाँ अब बस आराम से बैठे और कष्ट सहें। रेडिफ के राजा सिंह ने फिल्म में 5 में से 1 स्टार दिया और कहा, शाहरुख खान चिल्लाते हैं, चिखते हैं, चिल्लाते हैं और नुकीले दांत दिखाते हैं और मुंह फुलाते हैं और खैर हर कदम पर जोर से ज़्यादा मुँह आवाजा देकर खुद को थका देते हैं। बावजूद इसके फिल्म में कोई भी उनका अनुसरण नहीं कर रहा है। टेम्पलेट द न्यू यॉर्क टाइम्स के राचेल शार्टन ने लिखा, चेन्नई एक्सप्रेस सावधानी से चुनी गई वाइन और स्वादिष्ट एपोटाइजर के साथ एक शानदार भोजन जैसा लगता है, लेकिन एक खराब मुख्य कोर्स है। इस बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी रोमांस और चमकदार सितारों पर पैसा और दृश्य देखभाल बहुत अधिक की गई है। सगाई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, लेकिन फिल्म अपने 2 घंटे और 20 मिनट से अधिकांश समय में कॉमेडी और किरदारों को एक अत्यधिक अंतरंजित कहानी में खोजती रहती है। एमिरेट्स 24/7 की स्नेहा के फ्रांस ने लिखा, रोहित शेट्टी की रोमांस की शैली काफ़ी हद तक मजाक पर
निर्भर करती है और मुख्य रूप से शाहरुख खान के वफादारों द्वारा इसकी सराहना की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, रोहित की कार्निवल जैसी कॉमेडी कुछ लोगों को हंसाती है लेकिन आपको थका सकती है। सिन्हा ने कहा कि पालकोट का प्रदर्शन खान से फीका है। वैरायटी की रोनी स्किम लिखा, इस अत्यधिक काम वाली कॉमेडी रोमांस एक्शन फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की तुलना नहीं की जा सकती। अपने किरदारों की रोमांटिकता के बनाए रखने की चिट्ठी की जरूरत लगातार उनके हास्य चित्रण के खिलाफ है। सोशल ब्रांडकास्टिंग सर्विस के साइमन फोस्टर ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिया और इसे रोहित शेट्टी से बहुत व्यापक निर्देशक ब्रश एक जोरदार कमजोर दिमाग वाले रोमांटिक कॉमेडी के रूप में वर्णित किया। एसआर के अति प्रचारित वाहन को देखते हैं करिश्मा, लेकिन उम्र दराज अभिनेता बुरी तरह से गलत समझ गए और आसानी से उनकी नायिका दीपिका पादुकोण से प्रभावित हो गए। उस समय चेन्नई एक्सप्रेस भारत और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। जब इसने 396 करोड़ का आकलन किया और वर्तमान में दुनिया भर में 18वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म की कमाई ने 3 डेज द्वारा निर्धारित 392 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म की अंतिम विश्वव्यापी कमाई 423 करोड़ थी। भारत बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार पेड प्रीव्यू के दौरान चेन्नई एक्सप्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी संस्करण ने 67.5 मिलियन का कलेक्शन किया था। 3 इडियट्स के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में 292.5 मिलियन का कलेक्शन किया, जिससे यह एक था टाइगर के बाद दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः 264.3 मिलियन और 292.1 मिलियन का कलेक्शन करके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया और 870.8 मिलियन भुगतान पूर्वालोकन सहित 938.3 मिलियन एकत्र किया। जवानी है दीवानी द्वारा निर्धारित पिछले सप्ताह रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चेन्नई एक्सप्रेस ने 3 दिवसीय सप्ताह में 1.59 बिलियन की कमाई करके दुनिया भर में शुरुआती कमाई की एक रिकॉर्ड बनाई। फिल्म ने सोमवार को अच्छा प्रदर्शन किया और 120 मिलियन और US के $2.5 मिलियन से अधिक का कलेक्शन किया। इसने अपने पहले मंगलवार को 115 मिलियन की कमाई की, जो भारत में शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने बुधवार को 125.60 मिलियन की कमाई की। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने बताया कि फिल्म ने गुरुवार को 190 मिलियन की शुद्ध कमाई की, जिसमें पहले सप्ताह में कुल कमाई भुगतान प्रोडक्ट सहित 1.461 बिलियन हो गई, जिसे एक था टाइगर के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहले 7 दिनों में इसकी व्यावसायिक कमाई 2.5 बिलियन थी। फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह में 237.50 मिलियन का कलेक्शन किया, जिसे कुल घरेलू कमाई 1.8 बिलियन हो गई और 10 दिनों में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई। दुनिया भर में कुल कमाई 3.14 बिलियन हो गई। फिल्म ने 2 सप्ताह में 1.85 बिलियन की कमाई की और घरेलू बाजार में अपने तीसरे सप्ताह के बाद 1.94 बिलियन की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह में इसने 160 मिलियन की कमाई की, जिससे उसकी कुल कमाई 275 बिलियन हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस ने अपने 4वें सप्ताह में 3 इडियट्स द्वारा बनाए गए घरेलू नेट रिकॉर्ड तोड़ दिया और 4वें सप्ताह में लगभग 57.40 मिलियन जोड़े, जिसमें कुल कमाई 2.6 बिलियन हो गई। फिल्म ने अपने 6वें सप्ताह में 3.5 मिलियन को कलेक्शन किया, जो कुल मिलाकर 2.25 बिलियन था। फिल्म की आजीवन घरेलू वितरित हिस्सेदारी 1.15 बिलियन है, जिसने एक था टाइगर के 1.7 बिलियन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशी रिकॉर्ड को तोड़े। यूके के पेड प्रीव्यू के दौरान फिल्म ने यूके में किसी भी बॉलीवुड फिल्म के पहले दिन से अधिक कमाई की। फिल्म ने विदेशी क्षेत्र में शुरुआती सप्ताह के रिकॉर्ड तोड़ दिए, 504.70 मिलियन की कमाई की, जिसमें US की 2.22 मिलियन डॉलर, US की ID 7.73 मिलियन और यूके की प्रमुख बाजारों से रिकॉर्ड संग्रह शामिल था। 934 चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेशों में शुरुआती सप्ताह में 7.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करके एक रिकॉर्ड बनाया। यह पाकिस्तान में भी सफल रही, जहां इसने मुद्रा एकत्र की। अपने शुरुआती सप्ताह में 18.4 मिलियन, 2021 में 94 मिलियन रुपए या US में
320,000 डॉलर के बराबर। 18 अगस्त तक फिल्म ने करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने की कराची में बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 40 मिलियन और यूएस के 140,000 डॉलर। फिल्म में विदेशी बाजारों में केवल 9 दिनों में 420 मिलियन यानी कि 12.29 मिलियन डॉलर की कमाई की। दूसरे सप्ताह तक इसे लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। चेन्नई एक्सप्रेस ने विदेश में अपने तीसरे सप्ताह तक लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर और चौथे सप्ताह तक 16.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। पांचवें सप्ताह तक फिल्म ने विदेशों में लगभग 17.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई कर ली थी। अपने छठे सप्ताह में भी इसकी कमाई जारी रही जिससे इसकी कुल कमाई 17.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। चेन्नई एक्सप्रेस एक से परफॉर्म रामेश्वर नामक एक प्लेटफॉर्म रनिंग गेम जो फिल्म पर आधारित है और इसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण शामिल है को इंडिया गेम्स डिजनी यूटीबी की डिजिटल विंग द्वारा विकसित किया गया था और 24 जुलाई 2013 को एंड्रॉयड सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया। गेम में खिलाड़ी एक आभासी रोलर कोस्टर की सवारी करते गुंडों से लड़ते हैं और बाधाओं से बचते हैं जबकि वे पादुकोण के गेम अवतार को अनलॉक करने के लिए 10,000 से अधिक सिक्के इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं।